चौलिप बोर्ड कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है। सो बहुत टाइम से हम लोगों ने सेशन को प्लान कर रखा था, 300 एमसीक्यूज इन वन सेशन। अब देखिए, एक दो चीजें मेरी याद रखिएगा, होपफुली विल रन द सेशन प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट इन केस कभी बीच में अगर इंटरनेट कहीं फ्लक्चुएट होता है, सो प्लीज वेट फॉर 60 सेकेंड्स। इट टेक्स 60 सेकेंड्स टू रिकनेक्ट विद द मॉडेम अगेन, ठीक है। राउटर से रिकनेक्ट होने में 60 to 70 सेकेंड्स लग जाते हैं, वेट करिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे यार कि ना हो ऐसा। पहले बता दूं, जो लोग क्लास में भी आए हैं या आ रहे हैं, दैट गाइस, इन वन सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 300 एमसीक्यूज, मतलब थोड़ा लॉन्ग सेशन होने वाला है। द सेशन विल बी टारगेटेड फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी आप अपकमिंग अपना मेंस का एग्जाम प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर है। बेसिकली माय क्वेश्चंस आर टारगेटेड फॉर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ। इन एग्जाम्स को मैंने टारगेट करते हुए रखा है। हाँ, सेकेंड थिंग, नॉट ओनली मी, ऑल अदर फैकल्टीज आर ऑल्सो प्लानिंग सेम टाइप्स ऑफ सेशन। लाइक हर्षिता मैम का सेशन है कल इवनिंग 7 PM पर। आई विल रिपीट अगेन, मंडे इवनिंग 7 PM मैम इज गोइंग टू टेक द क्लास फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। वो आपका एसबीआई पीओ टारगेटेड क्लास होगा, तो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं गाइस सेशन की ओर। 300 क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। यू नो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमेंबर यार, आउट ऑफ 300 मैंने कितने सही से अटेम्प्ट किए हैं, बट रॉन्ग और स्किप याद रख लो कि हाँ मैंने स्किप इतने क्वेश्चंस किए होंगे। अप्रोक्सीमेटली मैंने 40 स्किप्स किए हैं, अप्रोक्सीमेटली मैंने 30 स्किप किए, अप्रोक्सीमेटली मैंने 50 रॉन्ग किए। वो आपको एक डेटा रखना पड़ेगा दिमाग में, बाकी करेक्ट तो निकल ही आएगा। मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है, जय श्री राम के साथ, और बढ़िया सेशन रखेंगे आज का पूरा। सो मैं उम्मीद करता हूं दैट सेशन विल बी लॉन्ग, बट यू गाइज विल स्टे विथ मी टिल लास्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए नहीं है ये क्लास, ये आपके लिए क्लास है। तो एक बार पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली कॉपी करिएगा लिंक को, और बाकी जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर डाल देना। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। What is the revenue collected from GST in December 2020? देखो मैंने बोला है last 3 months का GST collection याद रखना है। Exam January में, so October, November, December 3 months का GST collection आपको याद रखना पड़ेगा। GST collection December में कितना रहा है सर? देखिए answers आने लगे हैं, almost correct answer आ रहे हैं। Answer is 1.15 lakh crore was the GST collection। अब November का देख लें आप, November का GST collection क्या था? 1.04 लाख करोड़। अक्टूबर का जीएसटी कलेक्शन था 1.05 लाख करोड़। सो दिस इज द जीएसटी कलेक्शन ऑफ लास्ट 3 months व्हिच आई टोल्ड यू। नेक्स्ट वन, व्हिच कंपनी हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज हाईएस्ट रेटेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इंडिया में हाई रेटेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर के निर्माण में एक नया रिकॉर्ड किस कंपनी ने बनाया है, इसको बनाने के लिए किस कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया है। देखें आंसर आ रहे हैं आप लोगों के कि नहीं, BHEL, कुछ बच्चों का आंसर आ गया, करेक्ट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनका नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी है, दैट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश भोपाल, भोपाल में सिचुएटेड है, भोपाल मध्य प्रदेश, और इसी यूनिट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिक हाईएस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड क्रॉप रिलीफ स्कीम, किसान फसल राहत योजना। किसान फसल राहत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है सर? वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। करेक्ट आंसर है आपके पास झारखंड। तो जो भी नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लेमिटीज, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो प्रॉब्लम होती है किसानों को, उसके लिए सरकार ने कहा, राज्य सरकार ने, विल पे द कंपनसेशन, हम कंपनसेशन पे करेंगे। द नेम ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हु हैज अप्रूव द कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। उन डीसीजीआई के चीफ का नाम बताएं जिन्होंने COVID-19 की जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको मंजूरी दे दी है। तो करेक्ट आंसर है आपके पास वी जी सोमानी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने, मैंने वीडियो दिया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीए ऑफ एसबीआई पीओ मेंस। अगर वीडियो ठीक लगा होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा जाकर। सेकंड चीज, आज का क्लास पूरा का पूरा मैंने इसीलिए रखा है सो यू कैन गेट हेल्प फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, अ बॉडी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों के लिए
कितने वर्षों के लिए भारत को 2021 में भारत को चुना गया है, इसमें कितने वर्षों के लिए जो है भारत को इसका सदस्य चुना गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या, 4 years, करेक्ट आंसर आपके पास क्या, 4 years। नेक्स्ट वन, Who has became the youngest author to win International Booker Prize? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीतने वाला सबसे कम उम्र का लेखक कौन बन गया है सर? तो करेक्ट आंसर है आपके पास मार्की लुकस। दो वर्ड याद कर लो यार, बहुत डिफिकल्ट सा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, सिंपल नाम याद रख लो। मार्की लुकस इज द नेम, एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ नॉवल? डिसकंफर्ट ऑफ इवनिंग। Discomfort of Evening 2020 में इनको International Booker Prize, and you know that awards कितने important होते हैं, कितना ज़्यादा exams में हमसे पूछे जाते हैं। Next question है, question number 7 पर आए अभी just। Which of the following city was announced as the cleanest city in the first edition of Swachh Sarvekshan 2016? 2016 में जब पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया, उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा सिटी आया था? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, आंसर इंदौर लगाते हैं काफी सारे लोग। पहली बार जब हुआ था तब मैसूर था, आफ्टर दैट कंटिन्यूअसली इट इज इंदौर। अगर 2020 का पूछा जाएगा दैट विच सिटी इज ऑन टॉप, तो आंसर होगा इंदौर। कुछ और पॉइंट्स यहां पर आपको बता देता हूं। स्टेट्स डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, एक कैटेगरी रखा गया था लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, दूसरा कैटेगरी रखा गया था मोर देन 100 लोकल अर्बन लोकल बॉडीज। लेस देन 100 में झारखंड था, मोर देन 100 में आपका छत्तीसगढ़ था, ये क्लीनेस्ट स्टेट हो गए, और सिटी था आपका क्या, इंदौर। पूरा डेटा कवर हो गया। अच्छा एक और था, गंगा टाउन बोला गया था बेस्ट गंगा टाउन, तो वो था वाराणसी। तो पूरा का पूरा डेटा रेडी। नेक्स्ट वन, कोना कोना उम्मीद, कोना कोना उम्मीद किस बैंक ने लॉन्च किया? दो महीने का एक लंबा सा अभियान है जिसकी शुरुआत की, किस बैंक ने इसको लॉन्च किया है कोना कोना उम्मीद को? तो करेक्ट आंसर आपके पास कोटक महिंद्रा। किस बैंक ने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको लॉन्च किया। अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड और भी काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, भी रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक कंटिन्यूअसली अगर आप देखें तो न्यूज में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विद द पेमेंट सिस्टम विद द पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनोवेटिव पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है फॉर ईएमआई बिलिंग ऑप्शन? देखें आंसर आया बीओबी, मैं जानता था बीओबी आंसर आएगा। रीजन बताता हूं, यहां पर दो वर्ड्स में डिफरेंस आएगा, वन इज डेबिट कार्ड एंड अनदर इज क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड गाइज, सेम कंपनी इनोवेटिव पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज टाइड अप विद टू डिफरेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक फॉर डेबिट कार्ड एंड बीओबी फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर क्रेडिट कार्ड। तो ये याद रखेंगे, जब डेबिट कार्ड पूछा गया कोटक महिंद्रा बैंक होगा, और जब क्रेडिट कार्ड पूछा गया बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ये बढ़िया था क्वेश्चन, फंसा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विथ द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एट 18th एफ CCI फिक्की CSR अवार्ड सेरेमनी बाय द फिक्की। गाइस फिक्की के भी नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, क्विकली नाम बता पाओ विदिन 5 seconds इन द चैट बॉक्स, तो मजा आ जाएगा। आंसर आएगा किसी का टाटा बोल रहे हैं काफी सारे लोग, करेक्ट आंसर है दालमिया भारत ग्रुप को अवार्ड दिया गया है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में बाय द फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी रिसेंटली कौन, उदय शंकर जी, वेरी गुड, उदय शंकर जी को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज डिसाइडेड टू एडॉप्ट पिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस। देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस कोशिश की थी, हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में लेकर आऊं, आई ट्राइड, बट प्रॉब्लम यह था कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया मैं, तो कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में ही है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, फिनेकल कैश मैनेजमेंट जो है इसको डिजिटली अडॉप्ट करने के लिए किस बैंक ने अनाउंस किया? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस फिनेकल सॉफ्टवेयर हैज बीन मेड बाय इंफोसिस। किसने बनाया? इंफोसिस ने बनाया है, नेशनल बैंक ऑफ बहरान ने इसके साथ टाई अप किया है टू अडॉप्ट इट। सेकेंड थिंग, साहिल पारिक इज द सीईओ ऑफ इंफोसिस, हेडक्वार्टर ऑफ बैंक इज सिचुएटेड, किसका बैंक का, नेशनल बैंक ऑफ बहरान, हेडक्वार्टर इज मनामा, बहरान इनका हेडक्वार्टर है। एक और क्वेश्चन था सिमिलर टाइप का, बैंक ऑफ इजराइल, एक बैंक है आपका जो सेंट्रल बैंक ऑफ इजराइल है,
उसने भी एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप किया था फॉर देयर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए इसराइल के गवर्नर, जो जो आपका जैसा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसा वहां का जो सेंट्रल बैंक है इसराइल का, उन्होंने भी टाई अप किया था इंडिया में। किस कंपनी के साथ टाई अप किया था याद है? टाटा बैंक। वेरी गुड, टीसीएस का सब्सिडरी है टाटा बैंक, तो टीसीएस के साथ आप बोल सकते हो टाई अप किया था इसराइल ने फॉर अडॉप्टिंग द इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत। ये बुक लिखी सर आपकी कुडुल अर्पी ने 1947 से 62 के बीच में, वॉट एवर द रिलेशन वॉज देयर इन बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, उसके ऊपर बुक लिखा गया है। मैं स्पीड पकड़ रहा हूं यार, अब थोड़ा जरूरत पड़ेगा बिकॉज 300 क्वेश्चन हम इस स्पीड पर तो शाम तक कंप्लीट कर पाएंगे, तो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल डेवलपमेंट मिनरल कॉर्पोरेशन के सीएमडी अपॉइंट हुए सुमित देव। आभास झा जो है वो वर्ल्ड बैंक में अपॉइंट किए गए प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द एशियन एरिया। ठीक है, बाकी के नाम आपको मिलते रहेंगे, मैं हर एक नाम के बारे में इसलिए डिटेल नहीं दे रहा हूं बिकॉज डेफिनेटली ऑन देम यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द टुडे सेशन। 300 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 156 कंट्रीज। 156 देशों में भारत का स्थान रहा है 144th, 8th एडिशन था, फिनलैंड वॉज ऑन टॉप, डेनमार्क वॉज ऑन सेकंड पोजीशन, इंडिया वॉज ऑन 144th पोजीशन, अफगानिस्तान वर्स्ट सिचुएशन पर था। मैं कैम ऑफ रखता हूं सो यू गाइस विल गेट द कंप्लीट स्क्रीन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइंग टू होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम शेड्यूल्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक 2021। कौन सा राज्य इसको होस्ट करने वाला है? करेक्ट आंसर है आपके पास हरियाणा। हरियाणा इज गोइंग टू होस्ट, इट विल बी कंडक्टेड इन पंचकुला हरियाणा। फर्स्ट एडिशन हुआ था दिल्ली में, हरियाणा वॉज द विनर। सेकेंड ऑडिशन पुणे, महाराष्ट्र वॉज द विनर। थर्ड एडिशन 2020 गुवाहाटी असम, महाराष्ट्र वॉज द विनर। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज एक्सटेंडेड 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ वायरस, कोविड-19 वायरस। भारत ने किस देश के साथ $150 मिलियन का मुद्रा विनिमय सहायता को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट किया है? करेक्ट आंसर है मालदीव्स। श्रीलंका के साथ किया था $400 मिलियन का, तो ये याद रखने की बात, कंफ्यूजन कई बार होता है यहां पर, श्रीलंका ना करें आंसर। नेक्स्ट वन, स्वच्छता पखवाड़ा वॉज सर्व्ड बाय द इंडियन रेलवे इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, वो किस तारीख से किस तारीख के बीच में मनाया गया? भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा सितंबर के महीने में मनाया गया, वह किस तारीख से किस तारीख के बीच में? इन बिटवीन द डेट ऑफ 16th to 30th September 2020 इट वॉज कंडक्टेड। स्पेशल फोकस वॉज ऑन द प्लास्टिक मैनेजमेंट इन द रेलवे। नेक्स्ट वन, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फॉर्म्ड अ कमेटी टू इंक्वायर असम गैस लीक वेल फायर। द कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम। देखो किसने बनाया है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, याद रखने का बात, किसने बनाया कमेटी? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। गलती करते हैं हम, तो पहले आंसर बता देता हूं आपको, टी के सेन गुप्ता। रीजन, वन मोर कमेटी वॉज मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी कार्टिके। एनजीटी ने बनाया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाया था बीपी कार्टिके जी के चेयरमैनशिप में। सेम पर्पस सेम था, तो दो कमेटी है आपके पास, वन कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर बीपी कार्टिके, सेकेंड वॉज फॉर्म्ड अंडर टी एन सेन गुप्ता, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ONGC। नेक्स्ट वन, एम वी राजशेखरन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज वन ऑफ द फेमस कांग्रेस लीडर, एग्रीकल्चरिस्ट, रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंट, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द आंसर? करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। सो एम वी राजशेखरन जी का हाल ही में देहांत हुआ, वो इन सारी पोजिशन पर काम कर चुके हैं। विच स्टेट इज ऑन द टॉप इन द कम्युलेटिव टोटल कवरेज अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 to 20। 2015 से 20 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। गाइस 2019-20 पूछेगा देन योर आंसर विल बी तमिलनाडु। रिमेंबर, अगर पूछता है 15 to 20 देन आंसर इज कर्नाटका, इफ दे विल आस्क अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 देन आंसर विल बी तमिलनाडु। नेक्स्ट वन, एज पर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द टाइगर डेथ ड्यूरिंग द 8 पीरियड 2012 to 19, विच स्टेट रिपोर्टेड सेकेंड हाइएस्ट टाइगर डेथ इन इंडिया। अगर आपको यह भी पता है दैट विच स्टेट इज होल्डिंग द सेकेंड हाइएस्ट, विच स्टेट इज ऑन द सेकेंड पोजिशन इन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, तब भी आंसर कर लोगे। किस राज्य में
जो टाइगर है वो दूसरे स्थान पर है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या में दूसरे स्थान पर। देखो हाईएस्ट है मैक्सिमम मध्य प्रदेश में था, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र, टाइगर टाइगर्स होल्ड करने के मामले में भी। नेक्स्ट वन, विच स्टेडियम रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पुरनो एस संगमा, किस स्टेडियम का नाम जो है पुरनो एस संगमा जी के नाम पर बदलकर कर दिया गया, दिक्की बंदी स्टेडियम। स्टैटिक जी के एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं एसबीआई के एग्जाम में, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ थ्री मेंबर कमेटी विच विल असिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ टू द बैंक बोरोवर। बैंक बोरोवर्स को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीन मेंबर्स का कमेटी बनाया, हु वॉज द हेड ऑफ दैट कमेटी, उस कमेटी के हेड कौन है सर, हु वॉज द हेड ऑफ दैट कमेटी, रविंद्र एच ढोलकिया, के बी कामत, जी सी मुंगरू, राजीव महर्षि एंड डी बी पाठक। करेक्ट आंसर आपके पास राजीव महर्षि। टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स, एक और क्वेश्चन बनता है दैट टू आइडेंटिफाई द सेक्टर्स कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर हुम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए केवी कामत कमेटी बनाया था और बोरोवर को रिलीफ देने के लिए कमेटी बनाया था राजीव महर्षि जी के चेयरमैनशिप के अंडर में। नेक्स्ट वन, वैली बैंड वॉज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए ड्यूरिंग द COVID-19 एक वैली बैंड बनाया गया था, वो किसने बनाया था, आई आई एम काचीगुड़े। नेक्स्ट वन, एज पर द MSME डेफिनेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडियम एंटरप्राइजेस इज द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर अप टू, एक मध्यम उद्यम का निवेश और कारोबार कितना होना चाहिए सर, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10, 100, 10, 50, 50, 100, 50, 250, 100, 250, व्हाट विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर वी नो दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली, 50, 250। 1 करोड़ से 5 करोड़ का कैपिटल और 5 करोड़ का टर्नओवर, ये आपका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की बात है, तो ये है आपका माइक्रो, क्लियर, ये है माइक्रो स्मॉल एंड दिस वन इज मीडियम। तो मीडियम आपसे पूछा था, 50, 250 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन, What is the amount of special liquidity infusion through the partial credit guarantee 2.0 liabilities of NBFCs, MFIs, that is microfinance institution and housing finance companies? देखो, आत्मनिर्भर भारत से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। I have tried my best to take out the best questions from आत्मनिर्भर भारत जिनके आने की probability exam में बन सकती है। 45,000 करोड़ रुपए का amount announce किया गया था पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के लिए, जिसको डेडिकेट किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। सेकंड, आत्मनिर्भर भारत में जो वेजिटेबल्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया, नेम वॉज टॉप टू टोटल स्कीम। टॉप टू टोटल स्कीम में अमाउंट कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, तो करेक्ट आंसर है 500 करोड़। डिफरेंस ये था, टॉप स्कीम में आपका आता था टमाटो, अनियन एंड पटेटो, एंड नाउ टॉप टू टोटल, टोटल मींस ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल बी कवर्ड अंडर इट। आफ्टर फोर्थ बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्रीज 60% WMA फॉर द स्टेट्स इन द फर्स्ट हाफ इन द 2020-21 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट। देखो, 60% का इंक्रीमेंट लाया गया था WMA वेज एंड मींस एडवांसेस में, वो कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2021 1.25 लाख करोड़ रुपीज द अमाउंट। देखो, पहले 2 लाख करोड़ रखा गया था, 2 लाख करोड़, रिमेंबर, यहां से भी कम करके 1.25 लाख करोड़ कर दिया गया, 31 मार्च तक इसका ड्यूरेशन किया गया WMA का। गुड कंडक्ट प्रिजनर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 वाज पास्ड बाय विच स्टेट, ध्यान से सुनिएगा। COVID-19 में प्रॉब्लम ये हुआ कि जेल छोटे पड़ गए थे और कैदियों को रखने का प्रॉब्लम हो रहा था, रीजन था सोशल डिस्टेंसिंग, तो उसके कारण पंजाब जो स्टेट था इन्होंने क्या किया, गुड कंडक्ट प्रिजनर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस पास किया, अकॉर्डिंग टू दैट जिनका बिहेवियर अच्छा था उनको सजा पूरी करने से पहले भी छोड़ा जा रहा था। नेक्स्ट वन, विच स्टेडियम रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाउ नोन एज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम, किस स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है सर, तो करेक्ट आंसर है
अखिल एंड रिमेनिंग गाइज, गाइज आई विल नॉट बी एबल टू सी योर डाउट्स, मीन्स आई एम नॉट सेइंग दीज डाउट्स, आपके प्रिपरेशन रिलेटेड या बाकी कोई डाउट है प्लीज पिंग मी ऑन टेलीग्राम। आज का सेशन वैसे भी मैं थोड़ा फास्ट रखने की कोशिश कर रहा था, अभी भी स्लो है, अभी स्पीड बढ़ाना है हमको, ठीक है। सेकेंड गियर पर चल रहे हैं, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, फिफ्थ लगाएंगे, टॉप गियर तक चलना है। तो दो स्टेडियम है, फिरोज शाह कोटला अरुण जेटली जी के नाम पर, एक आना स्टेडियम, इसका नाम बदलकर कर दिया गया भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31, सेबी इंट्रोड्यूस्ड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी फॉर द म्यूचुअल फंड्स, किस तारीख से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी जो था इंप्लीमेंट होने वाला था, 1 जनवरी 2021। विच बैंक सैंक्शन द लोन ऑफ 20,000 करोड़ टू ओवर ओवर 4 लाख माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। 4 लाख के आसपास एमएसएमई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए का लोन अनाउंस किया था, प्रोवाइड किया है, जो कि अनाउंस किया गया था अंडर अंडर COVID-19 रिलीफ पैकेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। महिला आत्मनिर्भरशील अचानी, दैट इज वुमेन सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम, इन ऑर्डर टू एसिलरेट द सेल्फ हेल्प ग्रुप, लॉन्च्ड बाय विच बैंक, किस बैंक ने लॉन्च किया था सर? तो करेक्ट आंसर है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन कोलाबोरेशन विद विच स्टेट? आसाम। तो आसाम के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ न्यू 10 रुपी नोट, नए 10 रुपए के नोट का डायमेंशन क्या है? 63 mm, 123 mm। देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑफ माइन वेयर यू विल गेट द डिटेल्स ऑफ ऑल द न्यू करेंसी नोट्स, इट इज अवेलेबल ऑन द ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल। पूरे के पूरे करेंसी नोट्स के फीचर्स, साइज, कलर मैंने बहुत तरीके से डिटेल में डिस्कस किए हैं, एक सेपरेट वीडियो आप ढूंढ लीजिएगा। टैक्स रिबेट ऑफ 12,500 रुपी फॉर द इनकम अप टू 5 लाख रुपी प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में 12,500 रुपए का रिडम्शन प्रोवाइड किया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन टू एंड द ट्यूबर क्लोसिस बाय द एंड ऑफ विच ईयर, किस वर्ष तक भारत से टीबी को खत्म कर दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है 2025, 2025 तक। टारगेटेड ईयर कल टीएनए में मैं वापस से डिस्कस करने वाला हूं, कल का टीएनए ज्वाइन कर लेना मॉर्निंग 8 o'clock। वर्ल्ड बैंक हैज रिसेंटली इश्यूज द सपोर्ट ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट? तो करेक्ट आंसर है $400 मिलियन। $400 मिलियन द प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2014 विद द टोटल बजट आउटलेट ऑफ 20,000 करोड़ रुपी, 5 ईयर इसको एक्सटेंड किया गया है। लोन को जो प्रोवाइड किया गया वो 2026 तक के लिए किया गया। लॉस्ट टू होम रिपोर्ट इश्यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉस्ट टू होम रिपोर्ट को जारी किया गया? UN, यूनिसेफ इज द करेक्ट आंसर। तो यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया था। NRF4 इज द डायरेक्टर, न्यूयॉर्क इज द हेडक्वार्टर। अकॉर्डिंग टू दैट मोर देन 50 मिलियन पीपल हैज बीन डिस्प्लेस्ड इन इंडिया। इंडिया सबसे टॉप पर रहा डिस्प्लेसमेंट के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डेजिग्नेटेड रमेश एस द चीफ रिस्क ऑफिसर द बैंक प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ प्रशांत कुमार? प्रशांत कुमार जी की जगह पर चीफ रिस्क ऑफिसर रमेश एस को किस बैंक ने अपॉइंट किया? करेक्ट आंसर है कर्नाटका बैंक। गाइस कर्नाटका बैंक, किस बैंक ने लॉन्च अपॉइंट किया? कर्नाटका बैंक, रमेश एस इन प्लेस ऑफ प्रकाश कुमार। प्रशांत कुमार वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर यस बैंक, उससे कंफ्यूज मत होना, प्रकाश कुमार है, सॉरी, प्रकाश कुमार के जगह पर रमेश एस कर्नाटका बैंक ने अपॉइंट किया है। एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा द रेफरेंस ऑफ 2017 इंडिया रिटेन विच पोजीशन दैट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ परचेस पावर पैरिटी? पीपीपी के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है 2017 के रेफरेंस में? तो करेक्ट आंसर है 3rd पोजीशन पर। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू पीपीपी, पीपीपी के मामले में USA is not the largest economy in the world. China is the largest economy. USA is on 2nd position and India is on 3rd position. PPP पहले भी explain कर चुका हूं, आज move करेंगे। National Solvency, sorry, Insolvency and Bankruptcy Board of India has restructured the Advisory Committee on the Corporate Insolvency Resolution with the 4 new members. Now total number of members are 14. पहले 10 थे, अब 14 हो गए। Who is the chairperson of
इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका चेयरपर्सन कौन है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। एम एस साहू इज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो आपका कॉरपोरेट रेजोल्यूशन का जो कमेटी बनाया गया, 14 मेंबर कमेटी के चेयरपर्सन है मिस्टर उदय कोटक। प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है टी वी नरेंद्रन, सेकेंड नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैथिल उनी कृष्णन इज द जनरल मैनेजर सेक्रेटरी ऑफ दिस एडवाइजरी कमेटी, तो सेक्रेटरी है मैथिल उनी कृष्णन। चारों के चार नाम इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट भी पूछा गया इवन एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल बैंक्स को कहा कि इफ यू वांट टू लॉन्च द डिजिटल करेंसी यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म, आप टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। दैट प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। Which bank has partnered with the Adobe to enhance the personalized customer experience by the Adobe Experience Cloud Solution? Adobe के साथ टाई अप किसने किया? Adobe के प्रेसिडेंट का नाम याद है, शांतनु नारायण जी। अच्छा, शांतनु नारायण जी को रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल अवार्ड। वो अवार्ड किसके साथ दिया गया था? Who was the second person with the शांतनु नारायण to get that award? मैं क्वेश्चंस बीच बीच में एक्स्ट्रा करता रहूंगा, आप लोगों को उसके आंसर्स बताते हुए चलना है। करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। तो एडोबे के साथ टाइप किस बैंक ने किया था? HDFC बैंक ने किया था टू अप्लाई द लोन डिजिटली 24/7 की आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, USAID ने करेक्ट है अवार्ड दिया था, अवार्ड दिया था, बिजनेस लीडर का अवार्ड है, करेक्ट है। आनंद महिंद्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, कुमार मुलेश ने आंसर किया आनंद महिंद्रा। सो आनंद महिंद्रा जी को शांतनु नारायण जी के साथ में वर्ल्ड लीडर्स का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट वन, रमेश बाबू बुद्धू हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, करेक्ट आंसर है करूर व्यास बैंक। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, 5 स्टार लगा लो। मैं हर बार 5-5 स्टार बनाऊंगा नहीं, मैं बोल दूंगा 5 स्टार, तो 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर? इंतेजी श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर विच इज सिचुएटेड इन गिफ्ट सिटी गुजरात में सिचुएटेड है। चलो, RBI lowered the minimum capital requirement payment aggregator, how much amount will be required now? Previous proposal was 100 crore rupee, पहले का proposal था 100 crore, अब इसको decrease करके कर दिया 15 crore rupee. जो payment aggregators हैं, if they want to apply now, they can apply with the initial capital of 15 crore. पहले RBI ने बोला था नहीं 100 crore चाहिए, कोई नहीं आया, 15 crore रखा है। RBI raises the investment limit of foreign portfolio limit from 20% to how much? FPI का investment limit जो है RBI ने 20% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30%. FPI क्या होता है सर? The investment of foreigners in India in the Indian stocks. भारतीय stocks, भारतीय कंपनियों में जो foreigners अपना पैसा लगा रहे हैं उस investment को हम FPI बोलते हैं। Which state on the bottom of the business reform action plan ranking 2018-19? Business reform action plan में कौन सा राज्य सबसे नीचे था जिसे ease of doing business ranking भी कहा जाता है, ease of doing banking report भी कहा जाता है? त्रिपुरा was last. Top पर है आपका कौन सा state सर? आंध्र प्रदेश। After that longest jump From 12th position to 2nd position, कौन सा स्टेट था? उत्तर प्रदेश। तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड दैट द फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी सून सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है कैनाबिस से मेडिसिन बनाने का प्रोजेक्ट। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी सेलिब्रेटेड विच नंबर ऑफ एनिवर्सरी, दैट इज फ्रीडम डे, ऑन 16 अगस्त 2020? 16 अगस्त 2020 को पुडुचेरी ने कौन सा स्वाधीनता दिवस या फिर फ्रीडम डे अपना सेलिब्रेट किया? 59th, 16 अगस्त 1962 को जो है फ्री हुआ था ये फ्रेंच पार्लियामेंट के द्वारा, इसको फ्री अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद द कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस फॉर ऑफर द COVID-19 इंश्योरेंस अप टू 1 lakh rupee अगेंस्ट द गोल्ड लोन? 1 lakh rupee से 1 lakh rupee तक का कवर मिलेगा गोल्ड लोन बोरो करने पर। ये कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने COVID-19 इंश्योरेंस किस
फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर अनाउंस किया या फिर ऑफर किया, तो करेक्ट आंसर है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के साथ मिलकर कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन इफ यू विल बोरो 1 लाख रुपी, 1 लाख रुपी विल बी योर कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड जन बचत खाता विच इज एन आधार ऑथेंटिकेशन डिजिटल बेस्ड सेविंग अकाउंट फॉर द न्यू बैंकिंग कस्टमर एक्सपीरियंस। सिंपल वन वर्ड, जन बचत खाता वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? फिनो पेमेंट बैंक, मुंबई हेडक्वार्टर, ऋषि गुप्ता इज CEO। फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित आर पटेल हैज रिटन अ बुक, दैट बुक नेम इज वॉट? उर्जित आर पटेल जी द्वारा लिखी गई किताब का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है। सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक? आई थिंक ऑलरेडी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया। करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। AK दास इज द CEO ऑफ बैंक। बैंक में ये जो आपका कार्ड है इसमें 5 लाख रुपी तक का स्पेंडिंग लिमिट रखा गया है और POS पर 1 लाख रुपी का लिमिट रखा गया है। इट वॉज लॉन्च ऑन 115th फाउंडेशन डे ऑफ बैंक। iLead 2.0, देखो इतना काफी होता है आंसर करने के लिए। iLead 2.0 वॉज लॉन्च बाय विच बैंक? करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक। कंफ्यूजन ना रखें, ICICI बैंक ने नहीं लॉन्च किया है, अदरवाइज आप देखेंगे दिस वर्ड आई ऑलवेज डिनोट्स ICICI बैंक। तो कैंडी मोबाइल ऐप एंड iLead 2.0 ये लॉन्च किया किसने? कैनरा बैंक ने। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद GCB प्लैटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च्ड विद विच बैंक? वही बैंक जो कि आपका सपना है, वही बैंक जिसके लिए आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और JCB प्लैटिनम कॉन्टेक्टलेस कार्ड लॉन्च करने के लिए विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? चलो यार थोड़ा सा एनर्जी लाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली लिस्टेड 200 करोड़ सक्सेसफुली, 200 करोड़ रुपी बॉन्ड सक्सेसफुली ऑन BSE? मुनी बॉन्ड भी बोला जाता है जिनको, शॉर्ट में करेक्ट आंसर है लखनऊ। याद रखिएगा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च सच टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला अहमदाबाद था, अभी रिसेंटली लखनऊ ने किया, 200 करोड़ रुपए का किया है। 100 करोड़ का नॉर्मल बॉन्ड था, 100 करोड़ रखा था ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन मतलब अगर डिमांड बढ़े तो सप्लाई बढ़ा दो, उसी को बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शन। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू BAFTA ब्रेकिंग थ्रू इनिशिएटिव? किसको BAFTA के ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर है AR रहमान सर। जैसा आप लोग देखते हैं ना इंडियन आइडल है और इसी तरीके के जो बाकी के आपके शोज हैं उनसे, उन्हीं उसी तरीके के शो है, बट यार ये रियलिटी होगा, मतलब ये रियलिटी शो होगा, सिर्फ नाम का रियलिटी शो नहीं होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल CEO ऑफ BATA? कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, संदीप कटारिया जी अपॉइंटेड, फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ BATA। BATA इंडियन कंपनी नहीं है, ये मिथ आपका हटा दूं। कंपनी हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन लुसाने स्विट्जरलैंड। फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसी पुलिस स्टेशन, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस पॉलिसी पर बना हुआ पहला पुलिस स्टेशन कहां पर लॉन्च किया गया? तो करेक्ट आंसर है पुणे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ऑन द मूव माय जर्नी टू द रेंटलेस एंटरप्रेन्योर? किसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है सर ये ऑन द मूव? तो करेक्ट आंसर है हरी खेमका जी। नेक्स्ट वन, Which state is celebrating 21st edition of Hornbill Festival? कौन सा राज्य 21वां संस्करण मना रहा है Hornbill Festival का? करेक्ट आंसर है नागालैंड। RN रवि इज द गवर्नर एंड नेफ्यू रियो इज द CM ऑफ द स्टेट, कोहिमा इज द कैपिटल। नेक्स्ट वन, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑब्जर्व्ड इट्स राइजिंग डे ऑन December 1, 2020। विच एडिशन ऑफ राइजिंग डे सेलिब्रेटेड बाय द BSF? करेक्ट आंसर है आपका 56th एडिशन। 1 दिसंबर 1965 को बना था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिया विद द पाकिस्तान एंड फर्स्ट लाइन डिफेंसेस को कहा जाता है। राकेश अस्थाना इज द डायरेक्टर ऑफ BSF एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया। फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन एशिया एंड द पैसिफिक बुक वॉज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई किताब का नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इंडिया? करेक्ट आंसर है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ADB द्वारा जारी की गई किताब का नाम है।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2020 बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहां पर दो तीन प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। वर्ल्ड एड्स डे इंपॉर्टेंट इसलिए अप्रोक्सीमेटली थर्ड टाइम में इस क्वेश्चन को रिवाइज करवा रहा हूं आपके लिए। एक थीम आपका यूएनओ ने लॉन्च किया है, एक थीम आपका WHO ने लॉन्च किया है, एंड वन थीम वॉज लॉन्च बाय HIV.GOV। HIV.GOV आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का विच इज वर्किंग ऑन HIV। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। एक HIV.GOV ने जो लॉन्च किया है वो है रिजाइलेंस एंड इम्पैक्ट, दिस वन। ये लॉन्च किया आपका HIV.GOV ने। WHO ने किया है ग्लोबल सोलिडिटी रेजिलियंट HIV सर्विस। यूनाइटेड नेशन ने जो किया है ग्लोबल सोलिडिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलत नहीं है, आंसर सही है, याद रखना पड़ेगा यूएन ने पूछा है या फिर WHO ने पूछा है। नेक्स्ट वन, वेयर विल बी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 इज गोइंग टू हेल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है सिंगापुर। COVID-19 के कारण इसको स्विट्जरलैंड की जगह इस बार कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है, सिंगापुर में कंडक्ट किया जा रहा है। विच कंट्री रिप्लेस्ड मालदीव एज द होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशियन इनलैंड गेम्स। मालदीव की जगह कौन सा देश 2023 का इंडियन ओशियन गेम्स कंडक्ट करने वाला है, तो करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर इज द कंट्री एंड एरा इज द करेंसी ऑफ द मेडागास्कर, कैपिटल करेंसी। याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछा जा सकता है। द नेम ऑफ इंडियन वुमेन हु वॉज ऑन 41th पोजिशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय द फोर्ब्स। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 41वें स्थान पर थी निर्मला सीतारमन जी। पहले स्थान पर एंजेला मार्केल फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। क्रिस्टीना लगार्डे वॉज ऑन सेकेंड पोजिशन। निर्मला सीतारमन थी 41th पोजिशन पर। एक और इंपॉर्टेंट है किरण मजुमदार सौ बायोकॉइन की चेयरपर्सन है, डायरेक्टर है, 68 पोजीशन पर थे। 41-68 दोनों इंपॉर्टेंट है, घुमा फिराकर पूछ सकता है। Who has been named as the Time Magazine Person of the Year Award? Time Magazine Person of the Year Award से किसको सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है कमला हैरिस। जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर डोनाल्ड ट्रंप छोड़े पार्लियामेंट और उनको आने दे तो ठीक है, ट्रंप साहब की तो इच्छा लग नहीं रही है। He tried everything, यहां तक कर लिया कि भाई अब पता है न्यूज में सब चल ही रहा है कि हमला तक हो गया वहां के पार्लियामेंट पर। तो देखो क्या होता है। विच स्टेट हैज रिसीव्ड बेस्ट स्टेट अवार्ड इन प्रमोटिंग द फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड। फिक्की इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड के मामले में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। देखो फिक्की अवार्ड में देख ले सर, फीमेल ऑफ द ईयर स्पोर्ट्स अवार्ड जो था वो एनावेल को दिया गया है। सेकेंड मेल अवार्ड जो है वो बजरंग पुनिया। बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग द स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश। और बेस्ट कंपनी प्रमोटिंग स्पोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर अनिल कुंबले जी की कंपनी है सर। द नेम ऑफ कंपनी विच हैज इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन इंडिया। पहली भारत की कंपनी जिसने सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है भारत संचार निगम लिमिटेड। मिस्टर परवर साहब जो हैं वो सीईओ हैं किसके, BSNL के। RBI हैज डिसाइडेड टू सेट अप ABPC। मैं फिर से बोल दूं, 5 स्टार, मैं 5 और स्टार लिख दूंगा, 5 स्टार 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है सर। ये कहां पर सेटअप किया गया है ABPC? तो करेक्ट आंसर है जयपुर। फुल फॉर्म भी याद रखें, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। आई विल रिपीट अगेन, हेडक्वार्टर के साथ साथ या फिर जगह के साथ साथ फुल फॉर्म जरूर याद रखें, ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद हक दर्शक टू असिस्ट इंडियन MSME वाया हक दर्शक न्यू प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड एक्सेस टू द MSME फोकस्ड गवर्नमेंट असिस्टेड अक्रॉस द कंट्री। करेक्ट आंसर है DBS बैंक। DBS बैंक ने कोलॉबरेट किया हक दर्शक के साथ भारत में MSME को गाइड करने के लिए। सरोज सोम इज द CEO, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। DBS बैंक काफी ज्यादा न्यूज में था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्वेश्चन बन सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर अप्रूव किया है। सेफेस्ट बैंक ऑफ एशिया, वर्ल्ड बेस्ट बैंक का अवार्ड भी DBS बैंक को दिया गया बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं
सिन्मय चक्रवर्ती, सिन्मय चक्रवर्ती जी को अपॉइंट किया गया है। एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीशन एंड जिमी टाटा। जिमी टाटा विल टेक द पोजीशन ऑफ चीफ क्रेडिट ऑफिसर ऑफ द बैंक। एस फिनटेक लॉन्च्ड माइक्रो एटीएम सर्विस इन एसोसिएशन विद द विच बैंक इन कोची केरला। एस बियर फिनटेक ने किस बैंक के साथ कोलोबरेट करके, तो करेक्ट आंसर है आपका आईसीआईसीआई बैंक। एस बियर फिनटेक ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोलोबरेट करके लॉन्च किया है कोची केरल में माइक्रो एटीएम का फैसिलिटी। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एफएक्स फॉर यू। देखो यार एक वर्ड काफी है आंसर के लिए। एफएक्स फॉर यू किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया फॉरेक्स रेमिटेंसेस के लिए, करेक्ट आंसर है कैनरा बैंक। एलवी प्रभाकर इज द सीईओ। नेक्स्ट वन, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड #GotYouCovered फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स इन पार्टनरशिप विद द प्रीमियर स्किल एंड ट्रेनिंग। यार पीछे से आवाज अगर आ रहा होगा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तो प्लीज मैनेज करिएगा। एक्चुअली आज बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। माय होम वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो वन एरिया ऑफ माय होम वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, सो आज वो जो लेंटर वगैरह डलता है ना फाइनल, तो उसका काम चल रहा है। बट आई थॉट दैट कि वो इंपॉर्टेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेट मी डू माय वर्क, तो आई एम हियर विद द क्लास। तो थोड़ा जो बीच से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा प्लीज मैनेज इट। नेक्स्ट वन, भारती एक्सा ने लॉन्च किया था #GotYouCovered लॉन्च किया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12th ऑफ दिसंबर को। देखो दिसंबर का न्यूज है। नेक्स्ट वन, NPCI रुपए सेलेक्ट के नाम से NPCI के साथ मिलकर किस बैंक ने, विच बैंक कोलॉबरेटेड विथ NPCI टू लॉन्च रुपए सेलेक्ट कार्ड। रुपए सेलेक्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ किस बैंक ने कोलॉबरेट किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पल्लव महोपात्रा इज द सीईओ। 21st of December 1911 को बना था। सेंट्रल फॉर यू इज द थीम, 2011 से आपके लिए केंद्रित ये थीम है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफिनाइट इंडिया? इनफिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। फॉरेन कंपनीज के लिए लॉन्च किया गया, सो फॉरेन कंपनीज कैन कम एंड इफ दे वांट लोन, इफ दे वांट सम सपोर्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ इनफिनाइट इंडिया। स्टेटस ऑफ लेपर्ड 2018, व्हाट इज द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड इन इंडिया? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या तेंदुओं की कितनी है? 12,852 एंड मध्य प्रदेश इज ऑन टॉप इन दिस ऑल्सो। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भी टॉप पर है। With which country India has signed MOU on the technology cooperation in the road infrastructure sector in New Delhi? Correct answer is Austria. Capital is Vienna. Currency is Euro. India with which nation has signed 7 agreement during the virtual summit in the areas of defense, research, renewable energy, nuclear energy, petrochemicals and cancer treatment? Correct answer is Vietnam. So India ne Vietnam ke saath 7 agreements par sign ki hai, 7 agreements par. Next one. Which state government and UN women have collaborated to establish India's first gender data hub? A most important question for your upcoming examination. Yaad rakhiyega, Kerala is the correct answer. Even India ka pehla jo women aap bol sakte hain ki business setup hai, women India's international women trade center jo hai wo bhi kahan par setup kiya gaya, that is also set up in Kerala. Next one. Asian Development Bank approved $231 million loan agreement for hydropower project in which of the following state? Correct answer है आसाम। 120 megawatt का electricity project इसमें produce किया जाएगा। Based on the latest estimation, leopard in India, which state has the highest population of leopards in India? किस राज्य में जो leopard का population है वो highest है इंडिया में, नई रिपोर्ट के अनुसार? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अभी मैंने बता भी दिया था कर्नाटका इज ऑन सेकंड पोजीशन, महाराष्ट्र थर्ड पोजीशन पर। सो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट वन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सेक्शनड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश टू डेवलप द ग्रीन नेशनल कॉरिडोर इन दीज एरिया? नेशनल ग्रीन नेशनल हाईवे, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए
वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन डॉलर का लोन अमाउंट जो है सर वो सैंक्शन किया है इन राज्यों के लिए. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द सेल्स फोर्स टू एनहेंस द कस्टमर एक्सपीरियंस. सेल्स फोर्स की चेयरपर्सन का नाम याद होगा आपको, अरुंधति भट्टाचार्य. और अभी रिसेंटली यस बैंक ने कोलैबोरेट किया है इनके साथ. याद रखिए कि स्टेट बैंक ने कोलैबोरेट नहीं किया, यस बैंक ने कोलैबोरेट किया है. With which country India has signed an agreement to cooperate in the field of health and medicine, including the sharing of expertise in the building climate resilient infrastructure? तो करेक्ट आंसर है आपके पास इसराइल. इसराइल के साथ टाई अप किया इंडियन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग शेयरिंग द एक्सपर्टीज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. Which city Amar Singh College Conservation Project has recognized by UNESCO 2020 Asia Pacific Award for the Culture Heritage Conservation? तो किस सिटी में सिचुएटेड है ये सर? श्रीनगर में सिचुएटेड है, अमर सिंह जी के नाम पर है, जो कि वहां के राजा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजा थे आजादी से पहले, अभी नहीं है, आजादी से पहले थे. Who is the author of new book, The Light of Asia, the poem that defined Buddha? Buddha के ऊपर लिखी गई किताब है. आप लोगों को भी अगर लगे कि यार दिमाग में शांति नहीं है तो उस दिन इस किताब को जरूर से पढ़ लीजिएगा, The Light of Asia poem. किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर है आपके पास जयराम रमेश जी. जयराम रमेश जी द्वारा लिखी गई किताब का नाम है ओह मिजोरम. एक और बुक आई है सर, ओह मिजोरम, वर्चुअली रिलीज की गई थी वेंकैया नायडू जी द्वारा. यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? हु वॉज द ऑथर ऑफ दिस बुक? पी एस श्रीधरन पिल्लई. पी एस श्रीधरन पिल्लई इज द गवर्नर ऑफ मिजोरम. मोर देन 150 बुक्स इन्होंने लिखी है एंड इट वॉज वन ऑफ दैम. हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड COVID-19 सभ्यता का संकट? COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान. किताब के लेखक कौन है? हर कोई इनका नाम जानता है, कैलाश सत्यार्थी. भारत से नोबल प्राइज शांति के क्षेत्र में, इट मींस द नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ पीस, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन. आप बोलेंगे नहीं सर इंदिरा गांधी थी. आई सेड फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इंदिरा गांधी. आई एम रियली सॉरी. आप सोचेंगे कि सर मदर टेरेसा थी, नॉट इंदिरा गांधी, माई मिस्टेक. सो इफ यू विल थिंक नो सर, मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट वन. सो गाइज मदर टेरेसा वॉज नॉट द इंडियन ओरिजिन. Mother Teresa was not the Indian origin. Kailash Satyarthi is the first Indian origin person honored with the Nobel Prize in the field of peace. Point clear ho gaya hoga mera. Theek hai? Thoda sa tongue slip ho gaya tha. Next one. Which of the following company and India Premier Housing Finance signed MOU for India Green Building Council to promote the green building in the country? Dekho yaar, green building ka matlab hai hari hari buildings. Hari hari building kaise banai jayengi sir? With the greeneries around the buildings. इसको प्रमोट करने के लिए HDFC Limited ने टाई अप किया है. HDFC Limited ने टाई अप किया इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ. बजाज ऑटो साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर 650 करोड़ इन्वेस्टमेंट एट चाकन प्लांट. सो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है. पुणे में इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा. अगर आपको याद हो तो बजाज ऑटो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी वर्ल्ड का बन गया था ऑन 1st of January 2021. मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर कैप साइज के कारण. नेक्स्ट वन, द मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल पी आर इनसाइट पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है पंजाब. PR Insight लॉन्च किया गया पंजाब सरकार द्वारा. नेक्स्ट वन, India's first lithium refinery is proposed to set up in which of the following state? भारत का पहला lithium refinery कहां बनाया जाएगा? गुजरात में. Manikaran Power Limited will be the company. अच्छा, ये इसके लिए जो lithium है उसको हम कहां से? उसको हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे. सो दिस lithium will be imported from Australia. नेक्स्ट वन, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अलाउड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? निम्नलिखित में से किस सेक्टर में केंद्र सरकार ने हाल ही में 100% FDI को मंजूरी दे दी? करेक्ट आंसर है डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग, DTH बोलते हैं हम इन शॉर्ट. तो DTH में 100% गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया. मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51% है. प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए 74% है. पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 20% है.
पेमेंट बैंक्स का भी सेम होता है, इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज 74%. नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज स्टॉप्ड 100 बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया? टॉप 100 BFSI कंपनीज में कौन सा बैंक टॉप पर था? तो करेक्ट आंसर है सर, HDFC बैंक. सेकेंड पोजिशन ICICI, और थर्ड पोजिशन पर है आपका प्यारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Which of the following organization has announced to invest $54 million support to the crucial infrastructure project in India? बुनियादी ढांचों के लिए भारत में $54 million लोन एग्रीमेंट के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है? तो US International Development Finance Corporation, एक टाइप का सॉफ्ट बैंक है, which provides soft loan to the different nation. ठीक है, तो $54 million का फंडिंग. क्वेश्चन नंबर 100, तो पहला 100 पूरा, ऐसे भी दो बार और करने, तो फर्स्ट 100 इज ओवर एंड वी हैव कंप्लीटेड इन 50 मिनट्स. सो इट इज अ गुड न्यूज फॉर अस कि हम 50 से 60 मिनट, एक घंटे में कर सकते हैं, 3 घंटे में सेशन, 3 घंटे के पहले कोशिश करेंगे सेशन को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, चलो. जेम्स वॉल्फेंसन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे सर ये? तो करेक्ट आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक. चलो मैं काम करता हूं, 1 मिनट के लिए आऊंगा स्क्रीन पर, आप लोग भी पानी वानी पी लो, मैं जब तक आपको वर्ल्ड बैंक की स्टोरी सुनाते रहता हूँ. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं चुप हो जाऊंगा, सेशन चलता रहेगा, ब्रेक भी होगा तो सेशन चलता रहेगा, मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूंगा. वर्ल्ड बैंक सुन लें. सो वर्ल्ड बैंक और IMF बोथ आर कॉल्ड सिस्टर्स, दोनों को सिस्टर्स कहा जाता है. पहले तो ये बता दूं सर, अभी 200 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं आज ही अभी, तो बने रहे. तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों सिस्टर्स ही हैं एक टाइप से. रीजन है ब्रेटन वुड्स समिट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला. वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, वर्ल्ड का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया. सो द बिग पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिन्होंने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया था, दे केम इन द फॉरवर्ड एंड दे थॉट दैट यार वर्ल्ड वॉर के कारण इकोनॉमी हमारा बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, सो व्हाट वी विल डू इज विल बूस्ट द इकोनॉमी अगेन. तो ब्रेटन वुड्स इज अ सिटी, वॉज अ सिटी नेम इन USA. वहां पर एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में आउटपुट ये निकाला गया दैट वी आर गोइंग टू मेट 2 ऑर्गेनाइजेशन, वन विल बी वर्ल्ड बैंक, सेकेंड IMF. क्वेश्चन ये उठा क्या करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट, फिस्कल सपोर्ट, IMF विल प्रोवाइड द मॉनेटरी सपोर्ट, हाउ टू यूटिलाइज द फंड. 27 दिसंबर 1945 को दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए. अभी रिसेंटली IMF में 190th मेंबर ऐड हुआ था, आपको अगर नाम याद हो तो वो नाम बता दें. फाइनली मैं क्वेश्चन पर आकर ये रुकता हूं, दैट रिसेंटली 190th मेंबर वॉज एडेड इन IMF. व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का नाम. मूव करेंगे सेशन नंबर 2 पे. नॉरो नहीं है, नॉरो वॉज 189th. It was Andorra. Yeah, Principality of Andorra. हिंदी में नाम लिखा है Andorra की रियासत. ऐसा लगता है शक्तिमान का कोई कैरेक्टर है. तो Andorra की रियासत उसका नाम है. 190th member है. आगे बढ़ रहे हैं सर. Which bank has approved the appointment of Ashish Chandak as the new chief compliance officer for the next 3 years? अगले 3 वर्षों के लिए chief compliance officer की position पर किसको अपॉइंट किया है, किस बैंक ने अपॉइंट किया है? तो यस बैंक ने अपॉइंट किया है. सुमित गुप्ता विल बी द चीफ रिस्क ऑफिसर एंड ही विल रिप्लेस टू मिस्टर नीरज धवन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? PD वघेला. एंड दिस क्वेश्चन वॉज केम इन SBI क्लर्क मीन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SBI क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट वन, Who has been appointed as the Chief Financial Officer of State Bank of India with the effect from October 2020? देखो October का MCQ है, बहुत important है. मैंने कोशिश की है कि मैं 6 month के beyond ना जाऊं, so all the question will be relevant for your examination. So correct answer is Charanjit Singh Attara. Charanjit Singh Attara जी इस position पर हैं sir. Next one, Ravi Sathnam, Chief Marketing Officer of which of the following bank has been recognized in the Forbes list? World most influential CMO. This question was also came in the examination. Correct answer is HDFC Bank. उसमें रवि सतनाम का नाम पूछ लिया गया था instead of bank. तो रवि सतनाम जी को most influential जो chief marketing officers हैं world के, उनके list में रखा गया. Who has been appointed as the new deputy governor of Reserve Bank of India? Simple to answer, M. Rajeshwar Rao. Who is the head of 3-member committee of director?
टू लुक आफ्टर लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक के को ऑब्जर्व करने के लिए 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट किया गया। मीठा मक्खन स्वीट बटर वॉज द नेम, स्वीट बटर याद करवाया था मैंने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के सीईओ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर जे वेंकट रामू, मिस्टर जे वेंकट रामू। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हु विच बैंक हैज अपॉइंटेड प्रशांत जोशी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। किस बैंक ने अपॉइंट किया प्रशांत जोशी जी को मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट आंसर है सर डीबीएस बैंक। किस किस बैंक ने किया है? डीबीएस बैंक ने किया है। अश्विनी भाटिया रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। देखो आपका टेस्ट है 300 क्वेश्चन, रिवाइज कर लेना, डायरेक्ट आंसर बनेंगे बेटा एग्जाम में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अश्विनी भाटिया जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। FTII सोसाइटी एंड चेयरपर्सन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ FTII। रिसेंटली अपॉइंट किए गए मिस्टर शेखर कपूर, फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर शेखर कपूर जी को FTII का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एम ए गणपति उषा पढ़ी जी को कुछ समय के लिए अपॉइंट किया गया था। तो एक क्वेश्चन बन रहा था, एक्चुअली शी इज द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो इनको कुछ टाइम के लिए इसमें अपॉइंट किया गया था। आफ्टर दैट द चार्ज वॉज गिवन टू गणपति जी। सेंट्रल अथॉरिटी नॉमिनेटेड टू हूम एज द चेयरपर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरपर्सन की पोजिशन पर किसको अपॉइंट किया गया है? आर एफ नरीमन, आर एफ नरीमन। ही इज गोइंग टू रिप्लेस टू मिस्टर अरुण मिश्रा जी। अरुण मिश्रा जी को रिप्लेस करना है। मुस्तफा आदिब सेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। करेक्ट आंसर इज लेबनन। कैपिटल इज बेरूत। करेंसी इज पौंड। आर मसाकुई हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। करेक्ट आंसर इज जमायका। अभी करेंट में जिम्बाब्वे के रिप्रेजेंटेटिव थे, अब इनको ट्रांसफर मिल रहा है जमायका। कैपिटल इज किंगस्टन। करेंसी इज डॉलर। नेक्स्ट वन, युशो हिदे सुगा। आप बता दोगे, मैं एक वर्ड बोल दूंगा युशो हिदे हुगा, यू विल बी एबल टू टेल द नेम दैट विच कंट्री ही बिलोंग्स टू। सिंपल आंसर है जापान। तो रिप्लेस किसको किया इन्होंने? रिप्लेस किया इन्होंने सिंजो अबे को। बहुत लंबे समय तक जापानीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, आप बोल सकते हो। मोहम्मद इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। मोहम्मद इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वेना। जॉर्ज टाउन इज द कैपिटल। ग्वेनिश डॉलर इज द करेंसी। डेविड ऑर्थर जी को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन लाइव ट्यूटोरिंग वेदांतु। भर भर के एड आ रहे हैं टीवी पर वेदांतु के। तो वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? तो आमिर खान जी को। फोन पे के भी हैं, सैमसंग, डस्टन इंडिया, वीवो, सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, ही वॉज प्लेइंग अ मैच विदाउट द मास्क, काफी ट्रोल किया गया। अच्छा, सपोर्टर्स का भी लिस्ट था, बिकॉज फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज नोबडी सॉ मोदी जी विद द मास्क। तो सबने बोला यार जब प्राइम मिनिस्टर नहीं पहन रहे तो इसको क्यों आप परेशान कर दो। तो बोथ साइड है कि पॉजिटिव वाले भी थे, कुछ नेगेटिव बोलने वाले भी थे, हमारा काम है याद रख लें। हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। करेक्ट आंसर है गुरदीप सिंह संधु। नेक्स्ट वन, मौशिक, माइक्रो प्रोसेसर नेम मौशिक दैट इज मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है IIT मद्रास ने बनाया था मौशिक। नेक्स्ट वन, विच स्टेट विल हैव कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडिया फर्स्ट रेड हेडेड किंग वल्चर के लिए गिद्ध बोला जाता है हिंदी में। उत्तर प्रदेश में पहला रेड हेडेड, याद रखना है रेड हेडेड बोलेगा तब उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला तो हरियाणा में बना था किंग वल्चर का, और रेड हेडेड का उत्तर प्रदेश में। धारिणी पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑनलाइन पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड वो बनाया है, लॉन्च किया किस स्टेट ने? तेलंगाना ने। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखरन ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन, टू प्रमोट द बायर सेलर नेटवर्क इन द स्टेट। टू प्रमोट द बायर, मैं यार कैम ऑफ ही रखता हूं।
टू प्रमोट द बायर सेलर नेटवर्क इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप किसान रथ, किसान रथ ऐप किस किस राज्य ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर है आसाम। अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द लॉकडाउन सेम नेम किसान रथ ऐप वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृतज्ञता ऑनलाइन पेंशन सबमिशन ट्रैकिंग सिस्टम? करेक्ट आंसर है आसाम अगेन। तो कृतज्ञता पोर्टल भी किस राज्य ने लॉन्च किया ऑनलाइन पेंशन सबमिशन के लिए? तो करेक्ट आंसर है आसाम। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड पथश्री अभिजन स्कीम टू रिपेयर द रोड इन द स्टेट? राज्यों में रोड के पुनर्निर्माण के लिए पथश्री नामक एक स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की? करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। डिस्टावो ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? करेक्ट आंसर है सर गोवा। इंडिया का पहला सैंड पार्क जो है वो भी कहां पर बनाया जा रहा है? गोवा में। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टिल 31st ऑफ अक्टूबर ऑन द COVID-19 अंडर विच स्टेट हैज अनाउंस टू डिस्ट्रीब्यूट 1 करोड़ मास्क टू द पब्लिक? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। याद रखिएगा सर कि राजस्थान ने लॉन्च किया है 1 करोड़ मास्क के लिए। अच्छा, एक और स्कीम था मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था मास्क से ही संबंधित, उस स्कीम का अगर नाम याद हो वो 16 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में लॉन्च किया गया था, 16 to 30 अगस्त उसका नाम रखा गया था। एक तो था आपका मास्क है जरूरी, मास्क है जरूरी कैंपेन, है ना। हाँ, मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था एक मास्क अनेक जिंदगी, बहुत बढ़िया। सो नेम वॉज एक मास्क अनेक जिंदगी। नेक्स्ट देखो, इंडियन नेवी हैज पार्टनर्ड विद विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एरियल सीडिंग? करेक्ट आंसर इज ग्रेटर विशाखापट्टनम। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंसिंग ऐप? आई थिंक किसी को एग्जाम में आ चुका है। सो वेयरहाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप HDFC बैंक ने लॉन्च किया सर। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज अनवील्ड IBE नोट फैसिलिटी एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ पेपरलेस वर्किंग एनवायरमेंट टू इम्प्रूव टर्न अराउंड टाइम कंसिडरेबली? करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। IBE नोट फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है बैंकिंग सुविधाओं को ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर्स के रिजोल्यूशन को ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन रिजोल्व करने के लिए। Which bank has introduced किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फिशरमैन इन तमिलनाडु? अगेन आंसर इज इंडियन बैंक। पद्माजा चुंद्रू इज द CEO, हेडक्वार्टर इज चेन्नई तमिलनाडु। SBI कार्ड हैज जॉइंड हैंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑफर ग्लोबल बेनिफिट एंड एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज्ड कस्टमर्स इन इंडिया? यार महंगा कार्ड है, भारत में अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ मिलकर SBI कार्ड ने लॉन्च किया है। अमेरिकन एक्सप्रेस, SBI कार्ड, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कार्ड इन इंडिया। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र? एक टाइम पर यह सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट हमने इतनी बार रिवाइज किया है कि इसको बहुत कॉमन बना लिया। तो करेक्ट आंसर है 124 मंथ्स। प्रीवियसली इट वाज 113, इंक्रीज होकर हो गया 124 मंथ्स। एक बार रेट रिवाइज कर ले, फर्स्ट वाला छोड़ दे, सेकंड वाला छोड़ दें, जरूरत नहीं पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.4, PPF 7.1, NSC 6.8, KVP 6.9, सुकन्या समृद्धि अकाउंट 7.6। नेक्स्ट वन, रिजर्व बैंक हैज रेज्ड द बैंक मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट फॉर द कंपनीज विद द टर्नओवर अप टू 50 करोड़। ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है उनको अब मार्केट से लोन मिल जाएगा 7.5 करोड़ रुपए तक का। प्रीवियस लिमिट वॉज 5 करोड़, 5 करोड़ से इंक्रीज करके 7.5 करोड़ लिमिट किया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड एस क्रेडिट कार्ड? ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन का मतलब ऑलरेडी केम इन द एग्जाम प्रीवियसली, कभी ना कभी पेपर में आ चुका है पहले, और वो भी रीसेंट, पिछले 2 महीने के एग्जाम के में आया हुआ है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया एस क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट वन, नाबार्ड वॉश प्रोग्राम के लिए हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द नाबार्ड? तो करेक्ट आंसर है आपके पास 800 करोड़ रुपए। 800 करोड़ रुपए जो है वो नाबार्ड ने वॉश प्रोग्राम के लिए अनाउंस किया है। According to the NABARD data, Regional Rural Bank has incurred the loss of how much amount in the financial year 2020? बेटा RRB के एग्जाम में वैसे तो नहीं पूछा जाएगा
क्योंकि आरआरबी के खुद के एग्जाम में तो पूछेगा नहीं कि ये बताओ हम लोग कितना लॉस में थे, बट फिर भी याद रखें कि टोटल जो लॉसेस थे रीजनल रूरल बैंक के वो हुए सर 2206 करोड़ रुपए के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इश्यूज द रिपोर्ट बीटन और ब्रोकन। मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये दो वर्ड याद करो और डायरेक्टली याद रखना है कि बीटन एंड ब्रोकन जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपकी कहां से आई सर, वर्ल्ड बैंक से आई। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, बीटन एंड ब्रोकन रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ हु हैज सिक्योर्ड फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल बाय विनिंग द फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल। फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल जीतते हुए जो पहला टाइटल है वो किस ने जीता है, तो इगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, 2020 के जो आपके ग्रैंड स्लैम्स हैं उसमें से आपको कौन से ग्रैंड स्लैम्स करने हैं। देखो विंबलडन तो हुआ नहीं था, हमारे पास लिस्ट में आपके पास रहेगा फ्रेंच ओपन, एक है आपके पास यूएस ओपन, ठीक है, और अभी आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में ये आ जाएगा। तो देखो जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे बस ये तीन आपको याद करने हैं। लास्ट ईयर का ऑस्ट्रेलियन ओपन मत करना। अब इनमें भी याद क्या क्या करना है, तो सबसे पहले याद किया करो मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल। 99% चांसेस होते हैं कि आपसे मैन सिंगल और वुमेन सिंगल पूछ लिया जाता है। तो यहां पर भी देखें सर दैट द नेम ऑफ टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का मैन सिंगल किसने जीता, रॉजर फेडरर के बराबर आ गया, तो करेक्ट आंसर है राफेल नडाल। तो ईगा एंड नडाल, ईगा नडाल, ईगा नडाल फ्रेंच ओपन, ईगा नडाल फ्रेंच ओपन, अनाउंस करते रहो ईगा नडाल फ्रेंच ओपन, घर में बताते रहो, टेल टू योर ब्रदर्स, टेल टू योर सिस्टर, ईगा नडाल फ्रेंच ओपन। बोलेंगे क्या है यार पागल वागल हो गया, बोले नहीं बेटा पेपर निकालने का तरीका चल रहा है ये, आप भी याद करो। विच रेलवे जोन हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन माय सहेली टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द वुमेन पैसेंजर ओरिजिनेटिंग टू द डेस्टिनेशन। साउथ ईस्टर्न रेलवे इज द करेक्ट नेम एंड कोलकाता इज द हेडक्वार्टर। विच एयरपोर्ट हैज बिकेम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट बन गया, तो करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया 100% सोलराइज्ड एयरपोर्ट। नीति आयोग विथ विच नेशन हैव साइंड द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू सपोर्ट डीकार्बोनाइजेशन एनर्जी ट्रांजेक्शन एजेंडा अकोमोडेटिंग द क्लीन एनर्जी। करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। देखो क्लीन एनर्जी, मैं बोलूंगा दो वर्ड पकड़ो, क्लीनर एनर्जी विच विथ विच कंट्री, तो नीदरलैंड विल बी योर आंसर। एम्स्टर्डम इज द कैपिटल, यूरो इज द करेंसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू साइन MOU विद स्विगी टू टेक स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन। स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हरदीप सिंह पुरी जी के चेयरमैनशिप में आप बोल सकते हो कि हु इज द हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी। विथ विच कंट्री इंडिया होल्ड बोगो सागर एंड कॉर्पट नेवल एक्सरसाइज रिसेंटली। करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। पूरा लिस्ट मैंने पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड दैट इट्स वर्किंग ऑन आर्टमिस प्रोग्राम, इट्स प्लान टू एस्टेब्लिश द बू, इट प्लान टू एस्टेब्लिश द कैंप ऑन द मून। देखो भैया नासा वाले तैयार हो गए हैं चंद्रमा पर जाकर अपना कैंप लगाने के लिए। टारगेट रखा है 2024 इज द टारगेट। पहला जो पहली बार जब ये चंद्रमा पर गए थे या मून पर गए थे, दैट वॉज 20 जुलाई 1969, कमांडर वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन, विच बैंक हैज लिस्टेड 100 मिलियन ग्रीन बॉन्ड ऑन इंडिया INX रिसेंटली। इंडिया INX पर 100 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड किस बैंक ने लॉन्च किए हैं, किस बैंक ने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये नाम कहां से आया, वी बाला सुब्रमण्यम, वी बाला सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। बीएसई ने, बीएसई का है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इसको भी गिफ्ट सिटी गुजरात में ही बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इन शंघाई चाइना। किसको अपॉइंट किया गया है सर, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में, मार्क स्पेट्रो याद है। अनिल खशूरा कौन है, वीपी एंड सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर। कार्मन रेनहर्ट कौन है,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट गीता गोपीनाथन, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू विन यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड. यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड, फर्स्ट जो वुमेन थी भारत की ओर से जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है मेजर सुमन, मेजर सुवन गागविन. मेजर सुवन गवानी, मेजर सुवन गवानी इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, इंडियन वुमेन ऑफिसर जिनको ये अवार्ड दिया गया है. द अवार्ड वॉज गिवन विथ कार्ला, कार्ला दी कैस्ट्रो ऑफ ब्राजील, कार्ला दी कैस्ट्रो ऑफ ब्राजील, सुमन गवानी फ्रॉम इंडिया, यूएन मिलिट्री पीस कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. बुक नेम इज इसका वॉक, बुक वॉज ऑथर्ड बाय होम. किताब का नाम है सर इसका वॉक. किताब किसके द्वारा लिखी गई? जेके रॉलिक, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. द कैजुअल वैकेंसी, द कोको कॉलिंग, मल्टीपल बुक, हैरी पॉटर तो सबको पता है, तो ये सारी बुक्स की ऑथर हैं जेके रॉलिंग. नेक्स्ट वन, हु हैज बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च पॉलिसीज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज. आधा सेशन हो गया, 1/2 सेशन इज कंप्लीटेड. ठीक है, आधा सेशन हो गया, 1/2 सेशन कंप्लीटेड. करेक्ट आंसर है आपका तमिलनाडु. चलो थोड़ी देर स्क्रीन पर आता हूं. अच्छा ये बताओ, 150 में से याद है क्या कि कितने अभी तक सही हुए कितने गलत हुए? 150 में से याद है क्या कितने सही हुए कितने गलत हुए? 150 और करेंगे, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, अभी सेशन खत्म नहीं कर, अभी करेंगे 150 क्वेश्चंस, पूरे 300 आज डिस्कस करेंगे. और ये सेशन होगा आपके लिए एक कंप्लीट डोज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, की आप रिवाइज कर पाए बिफोर योर एग्जाम, कि यार वो 300 करके जाना है, आज कुछ नहीं करना है, लास्ट डे है, 300 क्वेश्चन का सर का रिवीजन करके चले जाएंगे, सेशन का हमारा काम हो जाएगा. 15 रॉन्ग है, याद नहीं है. अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं यार, मेरा मेरा भी मतलब मोटिव ये है कि फोकस रखना डेटा के ऊपर, जितना ज्यादा ग्रैप कर पाओ. ठीक है, चलो वापस से स्पीड पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एनर्जी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. ऑन थर्ड 300 क्वेश्चन ऑल्सो, 8 इंडियन बीचेस हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द फॉलोइंग इको लेबल गिवन बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क. क्या नाम दिया गया है उन 8 बीचेस को भारत के, मतलब वो जो टैग है सर, टैग है, उस टैग के अंदर रखा गया, तो ब्लू फ्लैग इज द टैग गिवन बाय द डेनमार्क. 8 इंडियन बीचेस को क्लीन है, मतलब बहुत ज्यादा साफ है. अच्छा, इंडिया में भी इस तरीके का एक स्टार्ट किया गया है, तो उसको टैग, उसको नाम दिया गया बीम्स. ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया, बीच एनवायरमेंट एथेस्टिक मैनेजमेंट सर्विस. तो ये जो बीम्स है ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया. नेक्स्ट वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियरिंग इन चीफ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. इंडियन आर्मी के नए इंजीनियर चीफ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर हरपाल सिंह, हरपाल सिंह. दूसरा नाम सर राजीव चौधरी सर, राजीव चौधरी सर अपॉइंट हुए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. एसएमएस पे फैसिलिटी ऑन पीओएस टर्मिनल, एसएमएस पे फैसिलिटी लॉन्च किया है किसने? यस बैंक ने, एसएमएस पे फैसिलिटी यस बैंक ने लॉन्च किया है. करेक्ट. नेक्स्ट वन, सिडबी साइंड एमओयू विथ विच स्टेट टू डेवलप द इको सिस्टम फॉर एमएसएमई इन द स्टेट. सिडबी ने किस राज्य के साथ टाई अप किया है एमएसएमई को मार्केट में सेटअप करने के लिए? तो करेक्ट आंसर है आपके पास तमिलनाडु, करेक्ट आंसर है आपके पास तमिलनाडु. या कंफ्यूज मत होना, बीएसई ने साइन किया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमएसएमई के लिए टाई अप किया है तेलंगाना के साथ, सेकंड टाई अप किया है जम्मू कश्मीर के साथ, जेएंडके के साथ. तो अगर बीएसई पूछेगा तो तेलंगाना और जम्मू कश्मीर आपका आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय सेबी टू एनहेंस द इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस ऑन द वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक. वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के दौरान सेबी द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया था स्मार्ट्स, स्मार्ट्स दैट इज सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स प्रोग्राम, स्मार्ट्स नाम रखा गया था. एक टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट, एंड इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द इन्वेस्टर वीक 23rd to 29th November. इन्वेस्टर्स वीक सेलिब्रेट किया गया 23rd to 29th week. सेबी ने वेरी हाई रिस्कोमीटर का जो अपना म्यूचुअल फंड का एक नया
एक आप बोल सकते हो कि टाइटल है या फिर एक नया आइडेंटिफिकेशन है वेरी हाई रिस्क, वो 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। हरिवंश, मिस्टर हरिवंश हैज बीन इलेक्टेड एज द डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। कौन से नंबर के डिप्यूटी चेयरपर्सन या उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है? करेक्ट आंसर है 12th। आर्टिकल 89 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स द पोजीशन ऑफ डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, आरआरबी पीओ एग्जाम लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस केम फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, 5 नंबर का पेपर इंडियन पॉलिटी से आया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप। सो करेक्ट आंसर है आपके पास आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ टाइप किया है पावर फाइनेंस ग्रिड कॉर्पोरेशन ने, पावर फाइनेंस ग्रिड कॉर्पोरेशन ने, एंड टू प्रोवाइड अंडर द सीएसआर इनिशिएटिव एंड अंडर इट पीएफसी विल डू द एक्सपेंस ऑफ 2.38 करोड़ रुपी। नेक्स्ट वन, हु हैज वॉन नोबल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। गाइज नोबल प्राइज जरूर से पढ़ लेना, एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है मेरा यूट्यूब पर रिलेटेड टू नोबल प्राइज एंड देयर ट्रिक्स, तो उस वीडियो को देख लेना, काम आ जाएगा आप सबके। जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली एंड अकीरा योशिनो। स्टैनली इज गुड इनफ इन द केमिस्ट्री टू टीच अबाउट लिथियम बैटरीज टू अकीरा। तो ये ट्रिक्स के हेल्प से आप याद कर लीजिएगा। इसमें हेल्प ये मिलेगा कि लिथियम बैटरीज प्रोजेक्ट था उनका, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है मतलब फील्ड है, अकीरा गुड इनफ, स्टैनली ऑल थ्री नेम्स विल बी टूगेदर। इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर इज मणिपुर। कहां पर बनाया जा रहा है? मणिपुर में बनाया जा रहा है। अभी मॉन्टेनेग्रो यूरोप में सिचुएटेड है। 141 मीटर का हम बना रहे हैं मणिपुर में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो जो लोग, मैं बता दे रहा हूं, जितने लोग भी जो एसबीआई में जा रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, इफ दे विल कम टू योर मैरिजेस डेफिनेटली दे विल कम विद दिस इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली। देखो उनके टारगेट भी पूरे हो जाएंगे कि भैया शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना है, और उनका काम भी हो जाएगा, आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया, एसबीआई डेफिनेटली इसमें काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। देखो नाम इंपॉर्टेंट है, बिमल जुल्का जी इंडिया के फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर बिमल जुल्का अपॉइंटेड ऑन दिस पोजीशन। अभी करंट में कौन है सर? सीआईसी इंडिया के। हु इज द करंट सीआईसी ऑफ इंडिया? प्रेजेंट में इंडिया के सीआईसी कौन है? हु हैज बीन नेम्ड, देखो सीआईसी का नाम छोड़कर मत भागना, पहले नाम बता देना, हु इज द करंट सीआईसी ऑफ इंडिया? अभी करंट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? यशवर्धन एट प्रेजेंट। वेरी गुड यशवर्धन, बहुत बढ़िया यशवर्धन सिन्हा। नेक्स्ट वन, हु हैज लॉन्च्ड द वर्चुअल फेस्टिवल परंपरा सीरीज 2020, नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक डांस ऑर्गेनाइज्ड बाय नित्य तारंगिनी इन द पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशन। तो सर किसने लॉन्च किया परंपरा सीरीज 2020 को? करेक्ट आंसर है एम वेंकैया नायडू जी। एंटोनियो गुटरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। How much line of credit amount has been offered by India to the Central Asia countries for the priority development project? ऐसा नहीं है भारत लोन ले रहा है। जब मैं बार बार ईडीबी के बारे में बताता हूँ, people are saying that sir, why India is borrowing this much loan? India provides lots of money to the different nation. $1 billion का जो amount है वो इंडिया ने ऑफर किया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को फॉर द प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या है? तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीज आर दैट नेशंस। नेक्स्ट वन, लुइस अर्स काटाकोरा इज हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? करेक्ट आंसर है बोलीविया। ला पाज इज द कैपिटल एंड बोलीवियानो इज द करेंसी। नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार सा नाम है सर। भारत एक भारतीय है जिन्हें सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया है, उनका नाम है विवेल राम खिलावन। देखो भारत नहीं छोड़ा, बिहारी है, पहली चीज तो आप बोल सकते हो बिहार नहीं छोड़ा, तो राम खिलावन साहब है, विवेल राम खिलावन। कैपिटल है सेशेल्स का विक्टोरिया, करेंसी है रूपी। नेक्स्ट वन,
द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय डेली चीफ मिनिस्टर टू रीएड्रेस द पॉल्यूशन पॉल्यूशन कंप्लेन. पॉल्यूशन कंप्लेन को चेक करने के लिए एक आम आदमी कंप्लेन कर सकता है कि यहां पर कचरा पड़ा हुआ है. ऐसी एक ऐप लॉन्च की है ग्रीन दिल्ली. ग्रीन दिल्ली इज द नेम ऑफ दैट ऐप. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड स्टेट यंग एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, जिसमें कहा गया कि भाई हम 3,000 रुपए का स्टाइफंड देंगे फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स. पहले 2 सालों में तमिलनाडु ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट वन, विच बैंक ऑन विच बैंक आरबीआई इम्पोज 22 लाख रुपए फाइन फॉर वायोलेटिंग द मार्केटिंग नॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के नॉर्म्स वायोलेट करने के लिए, तोड़ने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया डीसीबी बैंक पर. मुरली एम नटराजन इज द सीईओ. महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर. मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर. एशिया सेफेस्ट बैंक. एशियाज सेफेस्ट बैंक फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर. What is the name of that bank? बता चुका हूं, करेक्ट आंसर है DBS बैंक. वर्ल्ड बेस्ट बैंक का भी अवार्ड इसी बैंक को मिला है. वर्ल्ड बेस्ट बैंक का भी अवार्ड मिला है. Who has won Child Young Actress Award at Las Vegas Movies Award 2020? Correct answer is K Mahashweta. Correct answer is K Mahashweta. त्रिपुर से हैं, फिफ्थ क्लास में हैं. और ग्रैंडमा टॉय वॉज द नेम ऑफ मूवी. शॉर्ट मूवी थी ग्रैंडमा टॉय. इस मूवी के लिए इनको लास वेगस मूवी अवार्ड में सम्मानित किया गया है. हु हैज बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर तुलसी चुग अवार्ड 2020. डॉक्टर तुलसी चुग अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया. करेक्ट आंसर है सतीश मिश्रा जी. गाइज, दोज आर वॉचिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. एंड यू कैन ज्वाइन मी लाइव. अगर आपको लग रहा है सर ये क्वेश्चंस काफी तो बन रहे हैं बट सारे नहीं बन रहे हैं, यू कैन ज्वाइन मी लाइव फॉर माई डेली करंट अफेयर शो मॉर्निंग 8 AM लाइव ऑन यूट्यूब चैनल. एक और चीज बता दे, देखो मेरा आदत नहीं है बीच में रुक रुक के एडवर्टाइजमेंट करने का, तो मैं एक ही बार में पूरी चीजें बोल देता हूं. इफ एनी वन इज लुकिंग फॉर SBI मेन्स बैच, SBI का मेन्स का पेड बैच के लिए अगर कोई वेट कर रहा है या रुक रहा है, help@olive board पर मेल ड्रॉप कर देना. help@olive board.in, पूरा ऑलिव बोर्ड लिखना पड़ेगा. help@olive board लिख देता हूं एक बार, olive board.in, HB स्मॉल होगा, तो help@olive board.in पर मेल ड्रॉप कर देना, डिटेल्स ले लेना. आगे बढ़ रहा हूं सर. नेक्स्ट वन, धारिणी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन 2020 UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड. किस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड. ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन. ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन इज द करेक्ट नेम. एक NGO है. Which company has tied up with the National Skill Development Corporation to empower 1 lakh women with the digital skill? Correct answer is Microsoft. याद रखने का point. NSDC plus Microsoft ने, दोनों ने मिलकर टाई अप किया है 1 lakh वुमेन को डिजिटली स्किल प्रोवाइड करने के लिए. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आ गया यार नाम. चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी अपॉइंट हुए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया. CVC कौन है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है मिस्टर संजय कोठारी जी. नेक्स्ट वन, हु हैज बीन ऑनर्ड एट 3rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तीसरे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर, बोस्टन के तीसरे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ओम पुरी साहब को सम्मानित किया गया था. फॉर द लोन अप टू हाउ मच अमाउंट, RBI asked lending institution to provide waive on interest on interest. Compound interest charge ना करें कितने रुपए तक के लोन पर बिकॉज ऑफ द COVID-19, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 2 करोड़ रुपए. 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ना करें, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है. नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ बांग्लादेशी बॉय who has won a special prize of $1,000 global art competition organized by Indian Council of Cultural Research. तो करेक्ट आंसर है अजर
मुस्तीन अली, अजहर मुस्तीन अली, अजहर अली याद रख लो, अंजहर अली याद रख लो, इतना काम है, बांग्लादेशी बॉय है अजहर अली। पेंटिंग के थ्रू कोरोना के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए ये एक कंपटीशन रखा था, इसमें इन्होंने जीता है $1,000। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटोस्फिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, इन शॉर्ट सोफिया, मैं बोलूंगा याद रखो, सोफिया हैज डिस्कवर्ड द वॉटर ऑन सन इट सरफेस ऑफ मून, चंद्रमा की सतह पर सोफिया ने पानी ढूंढकर निकाला। ये सोफिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर है नासा। ठीक है, सोफिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर है नासा। बाय विच ईयर नासा एंड इसरो निसार सैटेलाइट प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुली लॉन्च और शेड्यूल्ड टू लॉन्च? सिंथेटिक एपरेटर रडार, निसार नाम रखा गया है, तो निसार प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है 2022। अच्छा, बेस कैंप कब बनाने वाला है नासा? आज के ही डिस्कशन, आज के ही सेशन में डिस्कस किया हमने, बेस कैंप कब कब बनाने वाला है नासा? बेस कैंप कब बनाने वाला है? 2000 बेस कैंप कहां पर? चंद्रमा पर बेस कैंप, 2022। नेक्स्ट वन, हु इज द ऑथर ऑफ नाइट ऑफ रेडलेस स्प्रिट? तो सबप्रीत सिंह या सर्वप्रीत सिंह इज द करेक्ट नेम। हाँ, बेस कैंप बनेगा 2024 तक, और ये जो निसार प्रोजेक्ट है इसका डेडलाइन रखा है 2024। तो बेस कैंप 24, निसार प्रोजेक्ट 22। नेक्स्ट वन, बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना वर्ल्ड फर्स्ट साइन टून रिटन बाय प्रदीप श्रीवास्तवा, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई किताब है? किसने इस किताब का अनावरण किया? करेक्ट आंसर है आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो आनंदीबेन पटेल जी ने इसको लॉन्च किया था। विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू गो लाइव ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FIP? आरबीआई अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर पहला लाइव जाने वाला बैंक जो है वो है सर इंडसइंड बैंक। सुमंत कथपालिया इज द सीईओ। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं गाइस, वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है? सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर सिचुएटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI विल बी लेड बाय हुम? पुणे करेक्ट है सर, मुंबई नहीं है, पुणे है, याद रखें, इंडसइंड बैंक पुणे है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आर्म ऑफ NPCI विल बी लेड बाय हुम? करेक्ट आंसर है रितेश शुक्ला, रितेश शुक्ला। चेयरपर्सन ऑफ NPCI इज विश्व मोहन महोपात्रा, चेयरमैन कौन है NPCI के? विश्व मोहन महोपात्रा। इसके बाद आपके सीईओ हैं NPCI के दिलीप असबे जी, दिलीप असबे जी सीईओ हैं। HDFC बैंक बिलोंग करते हैं आपके शशिधर जगदीशन। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर राकेश अस्थाना। आरोग्य वन, आरोग्य वन सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर गुजरात। नेक्स्ट वन, पीएम मोदी लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट सी प्लेन सर्विस इन विच स्टेट? भारत की पहली सी प्लेन सर्विस किस राज्य में शुरू की गई है सर? तो करेक्ट आंसर है फिर से आपके पास गुजरात। नेक्स्ट वन, पन्ना टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट ऑफ यूनेस्को, इन विच स्टेट इट इज सिचुएटेड? किस राज्य में सिचुएटेड है? तो पन्ना सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में, आसानी से आंसर किया जा सकता है। यह मध्य प्रदेश का तीसरा बायो रिजर्व है जिसको इंक्लूड किया गया आफ्टर पचमढ़ी एंड अमरकंटक। सो पचमढ़ी एंड अमरकंटक आर अदर टू प्लेसेस व्हिच आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज वॉर 1972-2020 वॉज ऑथर्ड बाय अर्जुन सुब्रमण्यम। ये सर सीरीज में एक किताब है, इसका फर्स्ट एडिशन था द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1947-71, वो पार्ट वन था। ये पार्ट टू अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, फुल स्पेक्ट्रम, अर्जुन सुब्रमण्यम जी जो हैं, इन्होंने लॉन्च किया है, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं इंडियन एयरफोर्स से। नेक्स्ट वन,
टेस्ट फायर्ड लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज कंडक्टेड बाय रिसेंटली डीआरडीओ बाघ इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी किसने कंडक्ट किया? करेक्ट आंसर है आपके पास इंडियन एयरफोर्स। इसके बाद साई सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ये साई ऐप जो है ये आपका इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। एक व्हाट्सएप तरीके का ऐप है जिस पर ऑनलाइन या आप लोग बोल सकते हैं कि आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं दे विल डू द चैट्स विद ईच अदर। डेफिनेटली ऑफिशियल चैट होगा तो उसको सिक्योर रखने के लिए साई ऐप लॉन्च किया गया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट विच स्टेट इज ऑन टॉप? तो करेक्ट आंसर है सर केरला। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर है केरला। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट एलोकेटेड फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज 42,000 करोड़ एंड 1,000 डेज का प्रोजेक्ट रखा गया है 6 लाख इंडियन विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए। विच स्टेट हैज बीन नेम्ड हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट गवर्न्ड स्टेट इन द कंट्री इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी? लार्ज स्टेट कैटेगरी में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के मामले, यार बेस्ट गवर्नेंस बोल दूं मैं, बेस्ट गवर्नेंस के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो करेक्ट आंसर है आपके पास केरला। चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में था और छोटे स्टेट्स की कैटेगरी में है आपके पास। देखो क्वेश्चन आ गया, मैं भी बोल देता गलती से। सो इन स्मॉल स्टेट कैटेगरी, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो करेक्ट आंसर है गोवा। तो क्या आंसर बन रहा है आपके पास, एक हो गया आपके पास केरला, ठीक है केरला। सेकेंड हो गया आपके पास क्या, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, स्मॉल स्टेट गोवा। वर्स्ट सिचुएशन पर है आपके पास मणिपुर, याद रखना वर्स्ट सिचुएशन पर है मणिपुर। आरबीआई ट्रांसफर्ड सरप्लस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? कौन सा सेक्शन है आरबीआई एक्ट 1934 का जिसके अनुसार आरबीआई अपना जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता है? सेक्शन 47, विमल जलान कमेटी के रिकमेंडेशन पर, ये स्टार्ट हुआ इन 2017-18, 15,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। क्वेश्चन बनेगा इन 2019-20 हाउ मच अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज देयर प्रॉफिट? 57,128 करोड़ रुपए बाय कीपिंग द कंटीजेंसी रिस्क बफर एट 5.5%। इंपॉर्टेंट है कंटीजेंसी रिस्क बफर कितना रखा गया है, 5.5%। क्या होता है कंटीजेंसी रिस्क बफर? फ्यूचर रिस्क से लड़ने के लिए जो अमाउंट रखा जाता है उसे कहा जाता है कंटीजेंसी रिस्क बफर। गिग अपॉर्चुनिटी लॉन्च्ड बाय विच बैंक? सो गिग अपॉर्चुनिटी लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी था, एनीवेयर फ्रॉम इंडिया यू कैन ज्वाइन इट। सेंट्रल वाटर कमीशन अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव? तो करेक्ट आंसर है आपके पास गूगल, के साथ टाई अप किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड फॉरकास्ट की, भैया बारिश होगी कितनी होगी, बाढ़ आ सकती है, इसके लिए गूगल के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट वन, चीफ यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज इन्फॉर्म्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी द एपी सेंटर ऑफ ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री इन द इंडिया? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा झारखंड में सिचुएटेड है अभी का तक के सबसे बड़े बड़े प्लांट, जैसे हम बात करें टाटा नगर की, ठीक है, तो वो सब झारखंड में, बट आंसर आपका क्या बन रहा है, उड़ीसा। नेक्स्ट वन, इंडिया इज सेट टू प्रपोज एंड मोबिलाइज हाउ मच अमाउंट ऑफ सोलर फंडिंग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? अगले 10 वर्षों में कितनी सोलर फंडिंग इंडिया जो है वो टारगेट कर रहा है, 50 बिलियन का सोलर फंडिंग। अच्छा, बैंक विल स्टार्ट विद द इनिशियल कैपिटल, बैंक विल स्टार्ट विद द इक्विटी कैपिटल ऑफ 10 बिलियन। इनिशियल कैपिटल या पेड अप कैपिटल जो है वो 2 बिलियन का रखा गया, 50 बिलियन टारगेट है 10 वर्षों में। ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, सर ग्रीन डिपॉजिट स्कीम एक वर्ड में आंसर आना चाहिए, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम किस बैंक ने लॉन्च किया? HSBC ने लॉन्च किया था ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। नेक्स्ट वन, देखो यार ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया तो चीटिंग हो गई, माना नहीं जाएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये था, वैसे आप लोग कर लेते, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दिस पार्ट। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किसका नाम अनाउंस किया था? दिनेश कुमार खारा जी का नाम अनाउंस किया था एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो बना लेते वैसे, रजनीश कुमार जी को रिप्लेस किया। एक और चीज देखेंगे, दिनेश कुमार खारा इज वर्किंग ऑन विच पोजिशन इन इंडियन बैंक एसोसिएशन?
आईबीएम में कौन सी पोजीशन पर दिनेश कुमार खारा जी काम कर रहे हैं? सर दिनेश कुमार खारा जी किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन में, ये बताइएगा क्विकली। इंडियन बैंक एसोसिएशन किस पोजीशन पर? वाइस प्रेसिडेंट, वेरी गुड। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम यह भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोविटी पेमेंट पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेवलप इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म? तो करेक्ट आंसर है वीजा। वीजा के साथ टाई अप किया इनोविटी पेमेंट लिमिटेड ने टू डेवलप द ईएमआई सॉल्यूशन इन इंडिया। राज किरण राय कुलकर्णी जी, बहुत बढ़िया, सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014, सिक्स्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन 2020। व्हाट इज द एज लिमिट टू ज्वाइन प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर जो आपका अकाउंट है उसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है 18 to 65 एज लिमिट रखा गया है। एंड इट प्रोवाइड फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस विद द रुपए कार्ड ऑफ 1 lakh rupee, 1 lakh rupee टू 2 lakh rupee ऑन परमानेंट डेथ। पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 1 lakh एंड डेथ के लिए, पार्शियल डेथ नहीं होता है, कंप्लीट डेथ के लिए 2 lakh rupee। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 rupee विदाउट एनी कंडीशन 2,000 rupee, विदाउट एनी कंडीशन 2,000 rupee। नेक्स्ट वन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2020? किस यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 से? तो करेक्ट आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जो आपका यूनिवर्सिटी गेम्स जो था उसमें भी सर आपका टॉप पर था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नेक्स्ट वन, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हिट बाय द साइबर अटैक? इसको बंद रखा गया था 3-4 दिन के लिए। किस देश के जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसको बंद रखना पड़ा था बिकॉज ऑफ साइबर अटैक? करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। मुस्तफा आदिब सेट टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज लेबनान। आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल हेल्प आसाम गवर्नमेंट फॉर फंडिंग द फर्स्ट एवर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डेरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम? पहला यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट का सेटअप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग अनाउंस किया? करेक्ट आंसर है एडीबी। 900 crore rupees का फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा सर। गवर्नमेंट लॉन्च 24/7 मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस थावर चंद गहलोत जी? 24 घंटे 7 दिन का एक हेल्पलाइन है, किरण हेल्पलाइन। अगर आप कोई मानसिक बीमारी को झेल रहे हैं तो इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है यार, काम थोड़ा यहां पर भी स्पीड से बढ़ रहा है, हम भी अपने डेस्टिनेशन की ओर स्पीड से बढ़ रहे हैं। वी विल कंप्लीट 300 questions एंड बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। बट काम थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइज आएगा मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अवॉइड करते हुए चलिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड टास्क फोर्स टू स्टडी एंड इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन द स्कूल्स फॉर 2020? तो टास्क फोर्स बनाया सर किस राज्य ने? गुजरात ने, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। 5-member committee सेटअप फॉर द बाय द DRDO फॉर विच पर्पस? ऐसा लैब बनाया जाए दैट विल मीट द फ्यूचर नीड्स ऑफ डिफेंस। तो फ्यूचर नीड्स ऑफ डिफेंस को मीट करने के लिए एक लैब बनाया जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है प्रोफेसर वी रामा गोपाल राव जी के चेयरमैनशिप में। आईआईटी के प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं वी रामा गोपाल राव। एक और पॉइंट, DRDO के चीफ सतीश रेड्डी जी को 2 year का एक्सटेंशन भी मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज ओनली रिटेल कॉम्प्रिहेंसिव पैट इंश्योरेंस फॉर द पैट डॉग? पालतू कुत्तों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भारत में, अभी इंसान इंश्योरेंस नहीं कर पा रहा है पर डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च हो गया सर। किसने लॉन्च किया है? बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस को डॉट लिमिटेड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी पेट डॉग्स के लिए। 3 months to 10 years तक के डॉग के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होगा। तपन सैगल इज द सीईओ ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ओमनी कलेक्ट
ओमनी कलेक्ट किस बैंक ने लॉन्च किया? ग्रीन डिपॉजिट ओमनी कलेक्ट HSBC. रिपीटिंग अगेन, ग्रीन डिपॉजिट ओमनी कलेक्ट HSBC. ग्रीन डिपॉजिट और ओमनी कलेक्ट HSBC ने लॉन्च किया है. लिबर्टी सेविंग अकाउंट फैसिलिटी, लिबर्टी सेविंग अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच बैंक? करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक. अमिताभ चौधरी इज द सीईओ. बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक. एडोबे के साथ किस बैंक ने टाई अप किया है कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए? तो करेक्ट आंसर है HDFC बैंक. यार एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, सॉरी फॉर दैट. अगले सेशन में मैं कंपनसेट कर लूंगा. विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया FIFFI विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20th to 20th November? करेक्ट आंसर है 51st edition. 51st edition सेलिब्रेट किया गया गोवा में. नेक्स्ट वन, चुनौती. चुनौती कॉन्टेस्ट वॉज launched to boost the startups and software products in India. इसको कितने साल के लिए लॉन्च किया गया? तो 3 years का ये आपका प्रोग्राम होगा. चुनौती इसको नाम दिया गया है. ओवरऑल जो इसके लिए फंड एलोकेशन है 95 करोड़ रुपी है. 25 लाख का सीड फंडिंग इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इफ यू विल विन दिस कॉम्पिटिशन. हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एशिया गेम्स चेंजर अवार्ड फॉर फीडिंग द मिलियंस इन इंडिया एमिड COVID-19 क्राइसिस? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? विकास खन्ना. तो विकास खन्ना जी किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जिनको जिन्होंने बुक लिखी उन्हीं को ऑनर किया गया था एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड संपूर्ण पोषण स्कीम? संपूर्ण पोषण स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंध्र प्रदेश. जाना जाता है अपने स्कीम्स के लिए. सबसे लंबा लिस्ट दे सकता है आपको आंध्र प्रदेश या फिर कॉम्पिटिशन में होगा मध्य प्रदेश के साथ. अगर आप देखेंगे स्कीम्स तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्कीम्स का कोई तोड़ नहीं है. इतनी सारी स्कीम्स हैं कि आप याद करते करते भूल जाए. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसीव्ड ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड फॉर नई दिशा? किस चीज के लिए दिया गया था नई दिशा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड दिया गया. SBI इन लिस्ट का, SBI इन न्यूज का लिस्ट इस पूरे के पूरे शो से जरूर बना लेना, आज के सेशन से जरूर बना लेना. SBI इन न्यूज का एक पूरा का पूरा सेपरेट लिस्ट. रेल बूट लॉन्च किया है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ने. ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद ने इन द फाइट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ COVID-19 पेंडेमिक रेलवे हैज लॉन्च्ड हेल्थ असिस्टेंट रोबोट. एक हेल्थ असिस्टेंट रोबोट लॉन्च किया जिसको नाम दिया गया है रक्षक रोबोट. तो रेल बूट और रक्षक में पहली चीज तो कंफ्यूज मत होना. आफ्टर दैट कंप्लीट लिस्ट ऑफ रोबोट रिलेटेड टू द COVID-19 ये लिस्ट मैंने यहां पर रख दिया. स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो नोट्स हैं उसमें जरूर से अपडेट कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर? पेंशन कॉर्नर टू कैटर द नीड ऑफ रिटायर्ड पर्सनल. करेक्ट आंसर है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. राजेश रंजन इज द डायरेक्टर. तो CISF ने लॉन्च किया जो रिटायर्ड पीपल है उनके लिए. AIR स्कैनर वॉज मेड बाय विच IIT स्टूडेंट? फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर है जो आप लोग स्कैम स्कैनर वगैरह यूज करते थे उसकी जगह पर लॉन्च किया गया है. तो IIT बॉम्बे ने बनाया AIR स्कैनर. एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सेल्फ स्कैन. ठीक है, नेक्स्ट वन, अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया is on 16th position in Rabobank Global Top 20 Dairy Company list in the world. Amul ka overall turnover kitna raha hai 16th position par rehne ke liye? Correct answer hai aapke paas 5.5 billion. And which company was on top? So Nestle was on top in the list. Amul ka position 16, 5.5 billion, Nestle was on top. Which state set up India's first international women trade center? मैंने ये बताया भी था. India का पहला women trade center किसने बनाया सर? Kerala ने set up किया. Next one, the newspaper Young Minds, which will cater the kids of 4 to 14 years. This newspaper was launched in which state? Correct answer है आसाम में launch किया है the Young Mind. नीलम सेठिया एंड नेहा बजाज ये ओनर्स हैं या फिर पब्लिशर्स हैं यंग माइंड की. नेक्स्ट वन,
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट. करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन. ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए अनिल धूपर, और अनिल जैन साहब जो है सर ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए. तो याद रखना, अनिल जैन अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट, अनिल धूपर अपॉइंट हुए सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के. ठीक है, नेक्स्ट वन. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर अविक सरकार. मिस्टर अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं. रिप्लेस किया है विजय कुमार चोपड़ा जी को. नेक्स्ट वन. अंडर द न्यू इनिशिएटिव विच स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर. वुमेन एम्बुलेंस जो आपका 108 है ना, 108, उसमें वुमेन ड्राइवर अपॉइंट करने वाला पहला स्टेट तमिलनाडु, एंड एम वीरा लक्ष्मी वॉज द फर्स्ट ड्राइवर अपॉइंटेड इन 108. नेक्स्ट वन. 74% स्टैक इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, मुंबई एयरपोर्ट को जो ओन करता है उसमें किस कंपनी ने ओन कर लिया. तो करेक्ट आंसर है वेदांता, सॉरी अदानी ग्रुप, सॉरी अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप ने टेक ओवर किया है इसको. नेक्स्ट वन. विच एयरपोर्ट वॉन नेशनल एनर्जी लीडर एक्सीलेंस एनर्जी एफिशियंट यूनिट अवार्ड एट 21st नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द एनर्जी मैनेजमेंट. यार मैं इतना लंबा नहीं मैं ये बोलूंगा, एक्सीलेंस ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया. तो करेक्ट आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. करेक्ट आंसर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सीआईआई के द्वारा यह अवार्ड दिया गया. सीआईआई के प्रेसिडेंट है मिस्टर उदय कोटक, मिस्टर उदय कोटक, एंड टीवी नरेंद्रन इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ सीआईआई. नेक्स्ट वन. गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज कंफर्म द ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ लोन ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ रुपी टू इंडिया फॉर COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टू इंडिया. भारत को कितना लोन जो है जापान सरकार ने अनाउंस किया. तो करेक्ट आंसर है 50 बिलियन जापानीज येन, दैट इज अप्रोक्सिमेटली 3,500 करोड़ रुपी, 3,500 करोड़ रुपी के आसपास का ये अमाउंट है सर. नेक्स्ट वन. What which nation has launched Agorita, an agri commodity trading source e-market? Correct answer is UAE. भारत से agriculture products को procure करने के लिए launch किया गया है. Dr. S. Padmavati passed away recently. She was known as the godmother of cardiology. Cardiology की godmother भी इन्हें कहा जाता है. Who has been appointed as the ambassador of e-commerce website Myntra? देखो बहुत से बच्चे खुश होने वाले हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया क्यारा एडवानी को. अच्छा, ऑनलाइन मतलब कि जो आपका यूट्यूब है और इस तरीके का प्लेटफॉर्म है उसके लिए अपॉइंट किया गया भुवन बाम को. तो दो लोग हैं, क्यारा एडवानी, भुवन बाम. नेक्स्ट वन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ BEL. BEL के डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया, एम बी राजशेखरा. अच्छा, सीईओ है एम बी गोटामा. तो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एम बी राजशेखरा. एम बी गोटामा इज द सीईओ एंड हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन बेंगलुरु. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ कोल इंडिया टू अचीव बाय द ईयर 2023-24? करेक्ट आंसर इज 1 बिलियन. 1 बिलियन का टारगेट रखा है कोल इंडिया ने फॉर द प्रोडक्शन. प्रहलाद जोशी इज द मिनिस्टर. अनिल कुमार झा इज द सीईओ. अ चैटबोट सर्विस लीगो वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. लीगो चैटबोट सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो इन कोलॉबरेशन विद द गूगल असिस्टेंस. गूगल असिस्टेंस के कोलॉबरेशन में ICICI प्रूडेंशियल ने लीगो सर्विस लॉन्च किया है. इफ यू आर द कस्टमर ऑफ ICICI प्रूडेंशियल एंड यू वॉन्ट द फैसिलिटीज और डिस्कशन रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, यू कैन गो एंड टॉक विद द लीगो. हु विल डिलीवर द की नोट एड्रेस एट 3rd edition ऑफ USISPF लीडरशिप समिट टाइटल्ड US इंडिया वीक नेविगेटिंग द न्यू चैलेंजेस. करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी. नेक्स्ट वन. राजनाथ सिंह इज ऑन द विजिट ऑफ मॉस्को इन द डिफेंस मीट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर, बताओ जरा हेडक्वार्टर कहां पर है. मैं बता देता हूं आप लोगों को, रूची, एक बार याद दिला दू, रूची विजिटेड
विजिटेड ताज, ताज विथ विथ काकू, रुचि विजिटेड ताज विथ काकू, फॉर विच पर्पस, फॉर PI पर्सनल इंटरव्यू। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? बीजिंग। बहुत बढ़िया। तो रुचि विजिटेड ताज विथ काकू फॉर PI। रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये हैं आपके मेंबर्स। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम उत्तराखंड ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया फॉर एक भारत श्रेष्ठ भारत? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। तो उत्तराखंड टाइड अप विद कर्नाटका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए मिस्टर परेश रावल जी। हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन IG ऑफिसर ऑफ CRPF इन जम्मू कश्मीर? फर्स्ट IG ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन कश्मीर? करेक्ट आंसर इज चारू सिन्हा। करेक्ट आंसर इज चारू सिन्हा। AP माहेश्वरी इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेट अप एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन? मतलब कि राज्य में बिजली की चोरी इतनी ज्यादा है कि राज्य सरकार को डिसीजन लेना पड़ा भाई कि हम उत्तर प्रदेश के 75 के 75, इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वी आर गोइंग टू सेट अप सेपरेट पुलिस स्टेशन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन वॉज लॉन्च फ्रॉम 16 to 30 August। इट वॉज लॉन्च फॉर गार्बेज फ्री स्टेट बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट? करेक्ट आंसर है आपके पास मध्य प्रदेश। पांच थीम रखी गई थी, थीम आपके सामने मैंने रखी है, उम्मीद करता हूं थीम एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी। इंडिया फीचर्ड इन द टॉप 50 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस इंडेक्स? करेक्ट आंसर इज 48। आप जानते हैं कि अगर पूछा गया है कि इंडिया का रैंक क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है विच कंट्री वॉज ऑन टॉप? स्विट्जरलैंड वॉज ऑन टॉप। इंडिया का रैंक रहा है, इंडिया का रैंक रहा है 48। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। फ्रांसिस गैरी इज द CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 250 गाइज। न्यू अवार्ड मनी फॉर द द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड। अवार्ड मनी कितना रखा गया द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के लिए? करेक्ट आंसर है 15 लाख। देखो पुराने वाले अवार्ड मनी नहीं पूछेगा, यू कैन स्किप देम। आप याद रखें नया अवार्ड मनी, नया अवार्ड मनी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 25 लाख, 25 लाख। अर्जुना अवार्ड 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम 15 लाख, द्रोणाचार्य रेगुलर 10 लाख एंड द्रोणाचार्य अवार्ड 10 लाख रुपी। ध्यानचंद अवार्ड 10 लाख रुपीज, सॉरी। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य रेगुलर में कंफ्यूज मत हो जाना। चलो बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, कौन कौन थक गया है? हाँ कितने लोग थक गए हैं बताओ? 250 हो गए, कितने सही कितने गलत? करेक्ट है 250 सही है, अभी 50 है, 50 गलत है, थके नहीं है। बहुत बढ़िया यार, यही एनर्जी चाहिए, यही यही जज्बा चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। वो संडे है, यू गाइस कुड डू एनीथिंग ऑन संडे। आप जा सकते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते थे। यू हैव गिवन मी 3 आवर्स, आप 3 घंटे का टाइम मुझे दे रहे हैं संडे को। सो एक्चुअली यू आर गिविंग दिस टाइम टू योर सेल्फ, टू योर फ्यूचर। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, ये क्लास आपका बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम। ऐसा नहीं है कि मैं ले रहा हूं, कोई भी इस क्लास को ले रहा होता, इफ यू आर रिवाइजिंग 300 क्वेश्चन किसी भी चैनल पर, कोई भी अगर ऐसा क्लास ले रहा है, जरूर से जाकर देखें। रीजन बताता हूं आपका कि अगर आपके वो क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके बैंक एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वो आपका जरूर हेल्प करने वाले। 300 क्वेश्चन एक बार में है ना यार, इसलिए। चलिए आगे बढ़े। हु इज सेट टू टेक ओवर एज द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी सिटी बैंक? सिटी बैंक ग्रुप जो है, सिटी ग्रुप है जिसका बैंक है सिटी बैंक, उसकी पहली CEO कौन बन चुकी है? ऑलरेडी शी बिकेम। करेक्ट आंसर इज जैन फ्रेसर। करेक्ट आंसर इज जैन फ्रेसर। सिटी बैंक CEO इज मैरी मैकनिफ। हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उसके चेयरपर्सन की पोजीशन पर अभी किसको अपॉइंट किया गया? सर सुभाष कामत जी को। फाउंडेड इन 1985 मुंबई
महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर. एग्रीमेंट ऑन द रिसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. करेक्ट आंसर इज जापान. भारत और जापान के बीच में साइन किया गया रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाई एंड सर्विस एग्रीमेंट. ध्यान से सुन ले क्या है. इन दिस एग्रीमेंट इंडिया एंड जापानीज आर्मी आर गोइंग टू शेयर देयर मिलिट्री बेसिस. अपने मिलिट्री बेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड सर्टिफाइड विद द COVID-19 फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग बाय द स्काई ट्रैक्स यूके बेस्ड एयरपोर्ट एयरलाइन रिव्यू फॉर्म. कौन सा एयरपोर्ट है जिसको COVID-19 के हिसाब से सबसे सेफ एयरपोर्ट कहा गया. फ्लेमिंगोनो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोम इटली में सिचुएटेड. ऐसे लियोनार्डो द विंची एयरपोर्ट भी कहा जाता है. सर लियोनार्डो द विंची एयरपोर्ट भी कहा जाता है. गाइस एक चीज में यहां तक आए हैं तो जरूर पूछना चाहता हूं. सेम कंपनी हैज अनाउंस्ड विच वॉज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड किस एयरपोर्ट को कहा गया था. बेस्ट एयरपोर्ट देखोगे तो नाम यही मिल जाएगा आपका. दिस वॉज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट. बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था किसको. कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट को. बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट था कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट. नेक्स्ट वन. हु हैज रिटेन्ड हिज पोजीशन इन द टॉप फोर्ब लिस्ट हाईएस्ट पेड फुटबॉलर विद द अर्निंग ऑफ 126 मिलियन. करेक्ट आंसर इज रोनाल्डो मेसी 126 मिलियन. क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज ऑन सेकेंड पोजिशन 117 मिलियन. नेमार वॉज ऑन थर्ड पोजिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम. ऑलरेडी हो गया यार. ऑलरेडी लॉन्च भी हो गया है. काम भी करने लगा है. Even you know the name of that line also. उस लाइन का नाम भी बताना चाहिए आपको. तो दिल्ली मेट्रो ने ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च कर दिया. ड्राइवर लेस मेट्रो चालू कर दिया. किस लाइन पर चालू किया है वो भी पता है आपको. मैजेंटा लाइन पर स्टार्ट किया है. मैजेंटा लाइन ऑफ दिल्ली DMRC. करेक्ट. या मैजेंटा लाइन पर लॉन्च किया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड OTP based withdrawal facility 24/7 on the amount up to above how much rupee. कितने रुपए से ऊपर आपका OTP काम करेगा. 10,000 रुपए से ऊपर अब आप 24/7 निकालें आपका OTP वाला काम जरूर चलेगा. नेक्स्ट वन. 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव took place virtually इंडिया एंड विथ नेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन. भारत और किस देश के बीच में 10वां संस्करण डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव का हुआ. तो ये दो बार होता है एक वर्ष में. भारत और यूएसए के बीच में हुआ रिसेंटली. नेक्स्ट वन. विच बैंक हैज लॉन्च स्पेशल गोल्ड स्कीम विकास लघु स्वर्ण. विकास लघु स्वर्ण स्कीम एट रिड्यूस्ड 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट. सर लोन ले लीजिए 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गोल्ड लोन. विकास लघु स्वर्ण. करेक्ट आंसर इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक RRB. गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक. धारवाड इज द हेडक्वार्टर. नेक्स्ट वन. ICICI होम फाइनेंस लॉन्च्ड न्यू होम लोन स्कीम नेम व्हाट टू केटर द नीड ऑफ इनफॉर्मल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन टू फुलफिल देयर नीड ओइंग द होम. करेक्ट आंसर इज अपना घर ड्रीम्स. अपना घर ड्रीम्स लॉन्च किया था ICICI होम फाइनेंस ने, जिसमें कि 2 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है. एंड इट विल बी क्वालिफाइड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना एज वेल. RBI प्रपोज्ड FPI अंडरटेक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ऑफ हाउ मच ओवरऑल सीलिंग. इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सर ये रिसेंट चेंज किया गया था. नेक्स्ट वन. Which bank partnered with MasterCard to launch debit card for high net worth customers? High net worth customers के लिए MasterCard के साथ tie up करके किस बैंक ने SBM बैंक ने लॉन्च किया था debit card facility? Street for People Challenge was launched by which of the following ministry? तो ये लॉन्च किया था आपका Ministry of Housing and Urban Affairs. Next one. My Family My Responsibility campaign to tackle the COVID-19 pandemic was launched by which state? Maharashtra Rajya ne launch kiya tha. My Family My Responsibility campaign. Door to door checkup for the temperature and oxygen level. Which of the following scheme of West Bengal won WSIS award? किस स्कीम को WSIS अवार्ड दिया गया. तो इंटरनेशनल अवार्ड है यार. इंटरनेशनल अवार्ड है
साबुज साथी इज द नेम ऑफ स्कीम, क्या नाम है स्कीम का, साबुज साथी स्कीम। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पीएम मोदी एड्रेस गृह प्रवेशम इवेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घरों का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, उसके लिए गृह प्रवेशम इवेंट कंडक्ट किया गया था किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन, एजीन ग्रुप लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 4.66 बिलियन इंडियन रुपी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $65 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट इन इंडिया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लोन प्रोवाइड किया। करेक्ट आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा। Who has been appointed as the executive director of Asian Development Bank? Asian Development Bank के executive director appoint किए गए हैं सर, कौन, समीर कुमार खरे जी, समीर कुमार खरे जी, Asian Development Bank। NDB New Development Bank कौन है, मिस्टर अशोक लवासा। राजेश खुल्लर executive director of World Bank, executive director of World Bank कौन है, मिस्टर अशोक सॉरी अनिल खशोरा है NDB, सॉरी अनिल खशोरा NDB, एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी अशोक लवासा। एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अशोक लवासा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कोई गलती ना हो जाए मेरे कहने में, अशोक लवासा एडीबी, राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक, अनिल किशोरा एनडीबी, टिकोई किशुनी कोशिनी कंट्री हेड ऑफ एडीबी टू इंडिया, कंट्री हेड ऑफ एडीबी टू इंडिया 19 दिसंबर 1966 को बना था, 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, हेडक्वार्टर इज मनीला फिलीपींस, मध्य प्रदेश नहीं है, मनीला फिलीपींस है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर इज दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट अप टू 8th क्लास। करेक्ट आंसर इज ओडिशा, रेडियो पाठशाला प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू एडॉप्ट ई ऑफिस, कंप्लीटली अपना का पूरा जो वर्क है उसको ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाने वाला पहला ऑफिस है एमपी, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इट इज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन मध्य प्रदेश। अगर अभी मेरी लाइट चली जाए, इफ इन केस, भगवान ने कहा ऐसा ना हो, बट इफ इन केस इफ द पावर गोज ऑफ एट प्रेजेंट एट माय प्लेस, तो उसका जिम्मेदार यही कंपनी होगा सर, अपना वर्क ऑनलाइन करने के बाद अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो, ठीक है, समझ में आया, एक एग्जांपल था, याद रह जाएगा आप लोगों को। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अकॉर्ड एम्बुलेंस स्टेटस टू द व्हीकल कैरिंग द मेडिकल ऑक्सीजन फॉर 1 ईयर। करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। सर ऑनलाइन सेल ऑफ टोबैको भी बैन कर दिया, ऑनलाइन सेल ऑफ सिगरेट्स भी बैन किया, किसने, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड कीमो रिकवरी किट कंटेनिंग आयुर्वेदिक फाइनेंशियल असिस्टेंस इन कोलैबोरेशन विद टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट के कोलैबोरेशन के साथ में ये लॉन्च किया गया है। भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट पुणे में सिचुएटेड है और इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर, दिस इज अ रिसर्च सेंटर ऑफ टाटा ट्रस्ट, इन सब ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन, पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, विच एजेंसी विल रेगुलेट इट। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इज गोइंग टू रेगुलेट इट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट इज गोइंग टू रेगुलेट इट। फर्स्ट बैंक टू यूज द सैटेलाइट डेटा फॉर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स, डिस्कस हुआ, रिपीट हो गए, दो चार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सॉरी फॉर दैट। आईसीआईसीआई बैंक इज द करेक्ट आंसर, संदीप बख्शी सीईओ है, हम है ना ख्याल आपका टैगलाइंस है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च स्टैक फॉर द डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशन, डिजिटल लेंडिंग सॉल्यूशन के लिए एक प्लेस लॉन्च कर दिया paisabazaar.com में, आप वहां पर कंपेयर कर लें। Which of the following company is providing the loan at less rate of interest? आप वहां से लोन बोरो कर सकते हैं सर, अजय जैन, विकास जौहरी, संगीता शर्मा आर द मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में कितने मैक्सिमम मेंबर होते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स आर देयर। करेक्ट आंसर है 6। अजीत कुमार इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम।
विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ई रक्षा बंधन कैंपेन. ई रक्षा बंधन कैंपेन लॉन्च किया किसने सर? आंध्र प्रदेश ने. नेक्स्ट वन, टू एनहेंस द चेक पेमेंट इट इज डिसाइडेड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव पे सिस्टम ऑन द वैल्यू अबव हाउ मच अमाउंट. कितने अमाउंट के ऊपर पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है इंडिया में. अच्छा, डेट भी पूछा जा सकता है आपसे, तो दो चीजें याद रखिएगा, 50,000 रुपए के ऊपर अवेलेबल होगा, मैंडेटरी अबव 5 लाख, स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January 2021, 1 जनवरी 2020 से इंप्लीमेंट हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक टीम्ड अप विद द पेमेंट मेजर मास्टर कार्ड टू डेवलप फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर द SMEs. तो करेक्ट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक. एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, किसानों के लिए मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है टू प्रोवाइड द लोन इन द मार्केट और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी. अजय सिंह बांगा 2021 तक मास्टर कार्ड के सीईओ रहने वाले हैं. गाइज, हु इज गोइंग टू रिप्लेस अजय सिंह बांगा एज द मास्टर कार्ड सीईओ? कौन रिप्लेस करने वाला है अजय सिंह बांगा जी को मास्टर कार्ड के सीईओ की पोजीशन से? हु इज गोइंग टू रिप्लेस हिम? नाम याद हो क्विकली लिखें, थोड़ा जल्दी करें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 281, वेरी नियर टू 300. आज 300 पूरा करेंगे सहवाग की तरह. माइकल मायबैक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है माइकल मायबैक. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड फॉर ब्लू रिवॉल्यूशन ब्रिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फिशरीज सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 ईयर? कितना अमाउंट जो है ब्लू रिवॉल्यूशन के लिए अप्रूव किया है? 20,000 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए 2024 तक गवर्नमेंट ने टारगेट किया. गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिल विच ईयर गवर्नमेंट टारगेट टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स रिलेटेड टू द फिशरीज सेक्टर्स? करेक्ट आंसर 2024, डबलिंग द फार्मर्स इनकम 2022, बट फिशरीज सेक्टर 2024. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिलीज द रिपोर्ट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटेंड फ्लोराज? ऐसी फ्लोराज जो खत्म होने वाले हैं, ऐसी वनस्पति जो खत्म होने वाली है, उसके ऊपर रिपोर्ट इश्यू की किसने? उत्तराखंड ने. नेक्स्ट वन, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ केरला पुलिस? केरला पुलिस की पहली डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है आर श्रीलेखा, आर श्रीलेखा. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड फर्स्ट टू लॉन्च द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप बाय द गूगल एंड एप्पल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आंसर आ गया था आपके सामने. करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड. तो स्विट्जरलैंड ने लॉन्च किया था गूगल और एप्पल, गूगल और एप्पल के कोलैबोरेशन से स्विट्जरलैंड में लॉन्च हुआ है स्विस कोविड ऐप, का नाम है स्विस कोविड. एप्पल और गूगल ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए कोलैबोरेशन किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और स्विट्जरलैंड में वो पहला ऐप लॉन्च हुआ है. Which of the following company has recently acquired Altigo? Altigo को किस कंपनी ने एक्वायर किया? करेक्ट आंसर है ओला. ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म में ओला का आप बोल सकते हो कि मूव है, दैट ओला इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म वेरी सून. नेक्स्ट वन, द नेम ऑफ फिनटेक स्टार्टअप कंपनी हु हैज जॉइंड हैंड विद वीजा टू लॉन्च पेमेंट सॉल्यूशन फॉर SME एंड स्टार्टअप? देखो, जितना भी कंफ्यूजन होगा ना इसी में, पेमेंट बैंक में कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक के वीजा के साथ टाई अप किया, अब कौन सा कंपनी है जिसने अभी SMEs और स्टार्टअप्स के लिए टाई अप किया वीजा के साथ? करेक्ट आंसर है जिगल, गूगल का भाई है जिगल, तो जिगल ने टाई अप किया है. Who has been appointed as the World Bank position on the climate change disaster management for South Asia? Project manager किसको appoint किया गया climate change disaster management in South Asia? Correct answer है आभास झा, correct answer है आभास झा. Dr. हर्षवर्धन, इनको चार्ज दिया गया WHO executive board के chairperson का, तो आभास झा जी को इस position पर appoint किया गया है. Who has been appointed as chief economist and vice president of World Bank? I'll not say a single word, guys. आपको पता है आंसर, मैंने इतनी बार रिवाइज करवाया हुआ है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है? कार्मन रेनहार्ट, जानबी फूकन, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO की चेयरपर्सन है, FLO की चेयरपर्सन है. हेमा दिवाकर, ऑनर्ड विद द ग्लोबल एशियन ईयर अवार्ड 2019-20 इन दुबई. गीता गोपीनाथन इकोनॉमिस्ट है. संगीता रेड्डी रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ फिक्की प्रेसिडेंट, फिक्की प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिसेंटली रिटायर्ड हुई है, कौन? गीता गोपीनाथन. नेक्स्ट वन, रूरल डेवलपमेंट मिशन दीदी व्हीकल सर्विस,
दीदी व्हीकल सर्विस कहां पर लॉन्च हुआ, किस राज्य में लॉन्च किया गया दीदी व्हीकल सर्विस? करेक्ट आंसर है आपके पास मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड न्यू स्कीम कॉल्ड कर्मा साथी परकल्पा? कर्मा साथी परकल्पा स्कीम किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है? तो यूथ को वर्ग के लिए आप बोल सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ को 1 लाख यूथ को टारगेट किया जा रहा है और 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, विच स्टेट, अब स्क्रीन पर आ जाऊं क्या? आ जाता हूं यार, लास्ट का टाइम, चलो दो चार क्वेश्चन और देख लो। यूनाइटेड स्टेट हैज जॉइन एन इंटरनेशनल पैनल ऑफ G7 सेटिंग अप द इथिकल गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ AI। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7? G7 का पार्ट कौन नहीं है? देखो GURU JFCI, ये है G8, ये है G8, यहां से निकाल दो तो बन जाता है G7, जर्मनी, USA, UK, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली। तो ये है आपके क्या G7 और G8। आंसर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? चाइना। चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 का या G8 दोनों का ही मेंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉन स्टीव अवार्ड इन न्यूयॉर्क फॉर द ईयर 2019? 2019 के लिए किस कंपनी को स्टीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह अवार्ड दिया गया। RBI रिसेंटली स्टॉप्ड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ 7 ईयर लॉक इन पीरियड। वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस बॉन्ड? इस बॉन्ड पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था सर? 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था। रिसेंटली फ्लोटिंग रेट बॉन्ड लॉन्च किए विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7.15%। तो फिक्स रेट हटाकर फ्लोटिंग रेट लाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7.15%। हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगट एंड कबड्डी प्लेयर हुम एज द डिप्यूटी डायरेक्टर इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट? करेक्ट आंसर है कविता देवी जी। तो बबीता फोगाट और कविता देवी जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्शन फॉर द होम कंजम्पशन? घर पर उगाओ और घर पर खाओ, इसके लिए बैक यार्ड हॉर्टिकल्चर एक स्कीम लॉन्च किया है किसने? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जिसमें फ्रूट्स के जो प्लांट है उनको सब्सिडाइज प्राइस पर प्रोवाइड किया जा रहा है। आरबीआई, चलो आ जाता हूं स्क्रीन पर, तीन क्वेश्चन बचे हैं यार, अब तो बनता है स्क्रीन पर रहना। आरबीआई आस्क बैंक टू कंप्लीट द ऑटोमेशन ऑफ एनपीए रिकॉग्निशन बाय विच डेट? किस डेट तक आरबीआई ने कहा कि कंप्लीट कर ले एनपीए का ऑटोमेशन? एनपीए का ऑटोमेशन किस तारीख तक बैंकों को कंप्लीट करना है? 30 जून, बहुत बढ़िया, 30 जून 2021, 30 जून 2021। सेंट्रल एक्सटेंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर द हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग विद द COVID-19। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस था ना, तो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस वो किस तारीख तक बढ़ा दिया गया? टिल विच डेट इट हैज बीन एक्सटेंडेड? करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट टू क्वेश्चंस। आरबीआई हैज फर्दर इंपोज्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑन पीएमसी बैंक, व्हाट इज द एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्शन टाइम? फ्राइडे वाले सेशन में ये गलत ले लिया था मैंने डेट थोड़ा, इसीलिए इसको मैं रिव्यू के लिए लाया था। सो गाइज रिमेंबर दिस, फ्राइडे वाले सेशन में हमने जनवरी लिख दिया था, करेक्ट डेट इज 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 तक के लिए पीएमसी पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ा दिया गया सर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ऑल द म्यूजियम कम इन एग्जिस्टेंस बाय द एंड ऑफ विच ईयर? किस वर्ष तक ये सारे म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएंगे? इफ यू वॉन्ट, इफ यू नीड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डेडलाइंस, ज्वाइन मी लाइव टुमारो मॉर्निंग 8 AM। कल 8 बजे ज्वाइन करना फॉर अ डेली करंट अफेयर शो TNA। कल के शो में मैं कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूं। करेक्ट आंसर यहां पर है आपका 2022। तो डेली करंट अफेयर शो मंडे टू फ्राइडे 8 AM,
कल इवनिंग में हर्षिता मैम क्लास लेंगी, इवनिंग 7 PM हर्षिता मैम इज गोइंग टू टेक क्लास फॉर डिस्क्रिप्टिव, स्पेशल क्लास फॉर SBI PU मीन्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो मिस मत करना दोनों ही क्लासेस को. चलो गाइज, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट फॉर गिविंग दिस मच सपोर्ट एंड लव टू यू गाइज आर ऑल ऑफ हियर फॉर दिस मच टाइम. बस अब मेरा रिक्वेस्ट लास्ट में, प्लीज लाइक द सेशन, सेशन लाइक कर देना यार, 500 के ऊपर लाइक तो होने चाहिए, राइट? सो सेशन लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कीप इट सेव, इसको सेव करके रखो, तो बिफोर योर मेन्स एग्जामिनेशन इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? रिवाइज कर लेना. 2 घंटे में हमने 300 MCQs डिस्कस किए हैं, इन 2 hours वी हैव डिस्कस 300 MCQs. तो बहुत स्पीड में आपके पास MCQs का रिवीजन होगा, ये क्लास एक ब्रह्मास्त्र होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, आई विल मीट यू नाउ. PDF दे दूंगा, इतना बोल रहे हो तो PDF दे दूंगा. वैसे मैं PDF नहीं देता हूं सेशंस का, बट इसका दे दूंगा, आप लोग बोल रहे हैं इसलिए दे दूंगा, ठीक है? तो मैं अटैच कर दूंगा, प्लीज डोंट फाइंड टुडे, टुमारो मॉर्निंग यू कैन सर्च द PDF हियर. मंडे मॉर्निंग, आज डेट है 10 जनवरी, 11th जनवरी मॉर्निंग में आपको इसका PDF मिल जाएगा बाय 11 o'clock, तब सर्च करना, ठीक है? चलो, आई विल मीट यू नाउ गाइस टुमारो मॉर्निंग इन TNA. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल अबोर्ड. जय हिंद.